तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू नमस्कार बच्चों एक बार आप लोग जस्ट सेशन को सभी को शेयर कर देंगे जो भी स्टूडेंट गेट ट्वेंटी थ्री को अपीयर होना चाह रहा है ना उन सभी को शेयर कर देंगे और आज से हम लोग पी डी का कुछ ऑप्टिमम रिविजन स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमम को मतलब बस इतना सा होता है कि वन आर से सर क्या हुआ अमन चलो अभी आपके सब डाउट क्लियर कर दूंगा सो so, बेटा ऑप्टिमम का मतलब बस इतना सा होता है कि जो इंपॉर्टेंट है है ना उस पर हम ज्यादा फोकस करें जो अनइंपॉर्टेंट है उस पर हम फोकस ना करें जिसके आने के थोड़ा बहुत चांस है तो उसको उतना ही टाइम दें मतलब मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम कन्वर्जन की बात करते हैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं वो हमारा एक ऑप्टिमम को रिप्रेजेंट करता है हम सब्जेक्ट भी जो पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट का टर्म यूज कर रहे हैं ऑप्टिमम ऑप्टिमम का मतलब ऑप्टिमाइजेशन से ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वालिटी का मैक्सिमम प्रोडक्शन करना इसका मतलब हम ये जो ऑप्टिमम रिवीजन की बात कर रहे हैं इस ऑप्टिमम रिवीजन में हम कम से कम टाइम में पूरा का पूरा पीडीई कंप्लीट करें और जितना जो इंपॉर्टेंट है एक क्वालिटी के साथ उसको कवर करें और इसके साथ में कुछ यहां से हम लोग प्रैक्टिस करें तो गाई जितने भी स्टूडेंट हैं चलो जस्ट एक बार सब लोग ये सेशन जो भी आपके अपने हैं जिनकी आप केयर करते हो उनको शेयर कर दीजिए और ये चार सेशन में मैं फिनिश करूंगा तो इसके बारे में पहले पूरा बता देता हूं आप लोगों को मेरी क्या स्ट्रेटजी है कैसे हम कवर करना चाहते हैं तो पहले जस्ट एक बार मुझे वो स्टूडेंट मैसेज करें जो यूट्यूब के स्टूडेंट हैं तो एक बार वाई लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में मुझे यह पता चल जाए कितने यूट्यूब के स्टूडेंट हैं क्योंकि प्लस के लिए तो मैंने कुछ प्लानिंग करके रखी है तो जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट है उनके लिए क्या होगा ठीक है तो उनके लिए भी कुछ तो प्लान होना चाहिए ना हमारे पास तो एक बार जितने यूट्यूब वाले स्टूडेंट है वो अपना नाम लिख दें वो एक बार अपना कमेंट कर दें और एक ही बार करिएगा ठीक है अर्नब अंजलि सुमन जॉन अनिता सूरज ठीक है अमन भास्कर ओके आर्यन टू फोर सिक्स एट एट स्टूडेंट नाइन सिद्धेशन मैट्रिक्स ठीक है तो टेन स्टूडेंट हैं अभी तक जो यूट्यूब के हैं इसका मतलब बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं ट्वेंटी फाइव वो प्लस के तो चलो प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले बता देता हूं अच्छा चलो ठीक है मेसराम अलेवन uh, नाइन अबसेक टेन कृष्णा अलेवन ठीक है तो आप लोग कनेक्ट करते जाइए जितने भी यूट्यूब वाले स्टूडेंट है बेटा एक बार कमेंट करके वाई लिख दीजिए क्योंकि मैं अपनी प्लानिंग बता देता हूं और उससे पीडी पूरा कंप्लीट हो जाए पीडी के जो भी मार्क्स हैं वो पूरा कंप्लीट हो जाए ठीक है तो अभी आप मेरे साथ बने रहिए मैं अपनी प्लानिंग भी बताता हूं सेशन को भी साथ में कंटिन्यू करता हूं सो डियर केमी वॉरियर्स आप लोगों के लिए कुछ दो लाइनें थी लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है मेहनत से ही यहां सब कुछ मिलता है दोस्तों इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है आप किसी को भी किसी पंडित जी को जाइए और अपना हाथ दिखाइए बताइए उनसे पूछिए कि पंडित जी बताओ मेरी रैंक क्या जाएगी हो सकता है पंडित जी भी आपके ऊपर हंस दे या हो सकता है पंडित जी आपसे पैसा हथियाने के लिए कुछ भी बोल दें मैं बोलता हूं कोई पंडित ऐसा हो दुनिया में जो मुझे यह बता दे कि मेरी रैंक क्या आएगी मेरी लकीरें देख के नहीं बता सकता और हंड्रेड परसेंट चैलेंज है अगर कोई भी भविष्य वक्ता है वो भविष्यवाणी कर दे वो बता दे उसकी फीस एक लाख रुपए में देने को रेडी हूं ठीक है जितनी फीस होगी मैं उतनी देने को रेडी हूं लेकिन उतने दिनों तक मैं अपने यहां बैठा के रखूंगा और अगर नहीं उतनी रैंक आई तो मैं उसको वापस से डबल पैसा ले लूंगा चाहे मुझे समझ रहे हो तो कोई नहीं बता सकता रीजन क्या है मेहनत से ही यहां सब कुछ मिलता है दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि अगर आप मेहनत करोगे तो कुछ हासिल कर पाओगे सिर्फ भगवान की उप, सुबह उठ के पूजा कर लेने से चार टाइम की नमाज पढ़ लेने से और आठ बार दीपक जला लेने से या फिर दस बार यज्ञ कर लेने से या फिर या फिर भंडारा कर लेने से किसी की भी रैंक आने वाली नहीं है दोस्तों जितनी भी रैंक आएगी वहां आपका ये मेहनत होगी आपका ये परिश्रम होगा आपके एक लगन के साथ ये पढ़ाई होगी आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है कितने क्वेश्चन आप करके आते हो कितने सही कितने गलत करके आते हो और यह सारी चीजों का मानक एक ही चीज है कि आपने कितनी पढ़ाई की है कितने कॉन्सेप्ट आपको आते थे और कितना आपने ऑप्टिमाइजेशन किया कितना आपने पढ़ाई किया मतलब कितना आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प किया तो पहली चीज जितने भी स्टूडेंट है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना स्टार्ट कर दे अगर अभी तक नहीं किया और इस समय जितनी मेहनत कर सकते हो जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है सिर्फ फिफ्टी फाइव डेज सिक्सटीन आवर्स ओनली सिर्फ फिफ्टी फाइव डेज सिक्सटीन आवर्स मेरे बेटा अगर आप डेली एक भी टेस्ट अटेम्प करने लगे तब 55 टेस्ट कर पाओगे और जो आपने टेस्ट सीरीज खरीदी होगी किसी में 60 होंगे किसी में सेवेंटी होंगे किसी में सेवेंटी फाइव होंगे मतलब आज डेली एक टेस्ट आज से स्टार्ट कर दो तब भी आपके पास पूरे के पूरे टेस्ट अटेम्प करने का टाइम नहीं बाकी है इसलिए अब लेट मत करो जितना पढ़ना था पढ़ लिया जितना करना था कर लिया और टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प करें उसको कैसे रिव्यू करें इसके लिए मैंने एक सेशन लिया है और वो प्लानिट गेट पे अभी दो दिन पहले सेशन लिया था इसी टाइम पे साढ़े दस बजे से तो आप उस वाले सेशन को एक बार फॉलो कर लीजिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा और एग्जैक्टली जो मैंने बताया उसको फॉलो करना यकीन के साथ मैं बोल सकता हूं और 10 दिन के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो एक ऐसी मंत्र है आपके लिए जो आपके रैंक को आज टेस्ट दे रहे हैं। तीस नंबर तो उसको साठ नंबर कर सकता है चालीस आ रहे हैं तो अस्सी कर सकता है लेकिन पचास को सौ नहीं कर सकता ठीक है।, है तो इतना भी नहीं है तो चलिए सुपर फॉर्म में कंटिन्यू करते हैं बच्चों आज ये ऑप्टिमम रिवीजन का सेशन नंबर वन इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शैलेन कुमार इस अनुटफॉर्म पे एज हेड ऑफ द वर्क कर रहा हूं और इस प्लेनेट गेट को मैं लीड कर रहा हूं नंबर ऑफ टाइम्स मेरा गेट क्वालिफाई है एमटेक 2014 में कंप्लीट किया हूं 15 प्लस ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और लास्ट 8 प्लस ईयर से गेट फील्ड मतलब आप लोगों को गाइड कर रहा हूं ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है इसमें अब एक सब्जेक्ट आप और एड कर लीजिए और वो सब्जेक्ट है आपका थर्मो और हो सकेगा हो सकेगा बेटा तो अब इस बार मैं आपका थर्मो से ही बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं तो आप लोग थर्मो का भी मजा देखिए सियारी की तरह सियारी तरह ही आप इसको एंजॉय करेंगे पीडी की तरह ही आप इसको एंजॉय करेंगे एस एस फाइव जीरो मेरा रेफरल कोड है इस कोड के साथ मुक करेंगे तो टेन डिस्काउंट और जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर्स होंगे उनके लिए आप अप्लीकेबल होंगे अनएकेडमी ऐप में अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा जस्ट मेरे नेम से सर्च करके ठीक है और ये ऑफर चल रहा है अगर आप आपका कोई जूनियर आप में से कोई YouTube के स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं तो प्लस के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं और 12 मंथ का कोर्स सिर्फ और सिर्फ अभी थर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी फाइव का है अगर आप यह ऑफर के बाद में लेंगे तो यही कोर्स आपका के आसपास का पड़ेगा इसका मतलब ये 30 का बेनिफिट अभी मिल रहा है दस हजार बारह हजार रुपए का कुछ बेनिफिट होने वाला है ठीक है तो आप यहां से कॉन्टिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ और यह आर आई का चल रहा है इसमें बेटा अभी तक सिर्फ एक लेक्चर लिया हूं सिर्फ एक लेक्चर लिया हूं अभी तक अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल इसको ज्वाइन करिए जिस दिन से चाहे उस दिन से ज्वाइन करिए हर दिन नया कॉन्सेप्ट होगा हर दिन नए न्यूवेरकल होंगे पीछे से रिलेटेड नहीं होगा और बेटा ये सियारी है ये तो पूरा रिलेटेड है है ना और इसमें मैं आप लोगों को कुछ चार पांच सब्जेक्ट के न्यूरकल्स का मिक्सअप करके सियारी का सब क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है तो यहां पर आपको एक अलग ही लेवल का सियारी देखेंगे जो कि मैं फुल कोर्स में कभी नहीं पढ़ा सकता है ना उसके लिए तभी पढ़ा सकता हूँ जब आपको फुल कोर्स आता हो इसके लिए मैंने बोला था कि मैंने एक सीट दी हुई है जिसको नहीं पता याद रख लो मैंने बेटा अपने टेलीग्राम चैनल पर एक सीट दी हुई है गूगल सीट जिसमें मैथमेटिक्स और आ, सियारी की अलग अलग सीट है जिसमें मेरे सारे के सारे स्पेशल क्लास के लिंक उसमें दिए आप डायरेक्ट क्लिक करके वहां से रिवीजन कर सकते हैं पढ़ सकते हैं तो क्विज अटेम कर सकते हैं तो आप लोग वो सीट अगर नहीं मिली तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से सीट आपको मिल जाएगी ठीक है या मुझे पर्सनली आप मैसेज कर देंगे तो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो ये आप आर e. कर आई का ज्वाइन करना स्टार्ट करिए कुछ मजेदार चल रहा है अच्छा ये अब मैंने जो प्लानिंग की है मैं आपको बता देता हूं लेक्चर नंबर टू जो होगा वो नाइनटीन को होगा दैट कल नहीं हम डेली लेक्चर नहीं लेंगे अल्टरनेट डेज में लेंगे तो कुछ प्लानिंग का पार्ट है मैं अभी आपको वो भी बता दूंगा और इसके बाद जैसे ही हमारा ये पीडी कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों के लिए कुछ प्लान किया माई टॉप टेन टॉपिक वाइज क्वेश्चन गेट एक्सपेक्टेड सीरीज जो लास्ट ईयर में लेकर आया था लेकिन इस बार मैं मिक्सअप करके नहीं लूंगा इस बार मैं टॉपिक वाइज लूंगा जैसे मैंने आज के दिन ये चार सब्जेक्ट का लूंगा जैसे मैंने आज स्टार्ट किया तो मैंने बोला बेसिक सीआर का फिर एक दिन मैंने ले लिया काइनेटिक्स का एक दिन ले लिया मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम का एक दिन लिया मैंने का एक दिन इंटरगल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो इस तरह से दस दस क्वेश्चन और उस दस क्वेश्चन में पूरा टॉपिक कवर करने का ट्राई करूंगा आईआईटी कानपुर के लेवल होगा या उससे प्लस वन लेवल होगा और आई कानपुर में जो भी आपका पेपर आने वाला है मे भी उससे कुछ क्वेश्चन मैच कर जाए कुछ सेम हो जाए कुछ उसी कॉन्सेप्ट में आ जाए ये पूरा अपना एक्सपीरियंस जो मेरा थर्टीन ईयर का है गेट फील्ड का है ना गेट के एग्जाम का वो पूरा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूंगा ठीक है चलिए तो यहां से कंटिन्यू करते हैं प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स तो इसमें क्या क्या मेरी स्ट्रेटजी है मैं आपको जस्ट बता देता हूं तो बेटा हमारे पास तीन पार्ट है प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स इक्विपमेंट डिजाइन तो जो ये तीन पार्ट है

ठीक है और फोर्थ पार्ट में हमारा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स और इसमें रिवीजन में बेटा ये वाला पार्ट हम कवर नहीं करेंगे अगर आप लोगों को खुद से रिवीजन करना हो तो आप लोग कर सकते हैं मैंने फुल कोर्स में पढ़ाया है मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं आज के दिन पूरा एक बेसिक डिजाइनिंग कवर करूंगा फिर एक लेक्चर में डिप्रिसिएशन कवर करूंगा एक लेक्चर में प्रॉफिटेबिलिटी कवर करूंगा और एक लेक्चर में मैं इकोनॉमिक्स कवर करूंगा जो आज वाला लेक्चर है ये बेटा आप सेवनटीन को कॉन्टिन्यू कर रहे हैं सेवनटीन दिसंबर फिर जो आपका सेकेंड लेक्चर रहेगा यह आप नाइनटीन दिसंबर को कवर करेंगे फिर आपका थर्ड लेक्चर 21 दिसंबर को आप कवर करेंगे और जो आपका फोर्थ लेक्चर होगा वो 23 दिसंबर को होगा इसमें कोई डाउट अच्छा तो फिर जो सर एक दिन का गैप दे रहे हैं 18 दिसंबर तो बेटा 18 दिसंबर को आपको मॉर्निंग में सुबह तीन बजे चार बजे के आसपास एक क्विज मिलेगी वो क्विज़ क्विज़ बोलो या प्रैक्टिस बोलो लेकिन ये प्लस वाले स्टूडेंट के लिए होगा ये प्लस वाले स्टूडेंट के लिए होगा तो यहां पर जो आपको क्विज मिलेगी उसमें बेटा आपके 15 से 20 होंगे या तो 15 या तो 20 क्वेश्चन होंगे ठीक है और ये क्वेश्चन आपको आ, मैं प्रोवाइड करूंगा और वो आपको सॉल्व करना होगा अब मैं सोचता हूं अगर यूट्यूब वाले स्टूडेंट का प्रॉपर रिस्पॉन्स रहा ठीक है अगर लास्ट तक उतने बच्चे प्रेजेंट रहे जितने स्टार्टिंग में प्रेजेंट थे ठीक है तो यह वाली क्विज जो होगी यही क्वेश्चन मैं यूट्यूब वालों के लिए एक फाइल बना के दे दूंगा वो टेलीग्राम ग्रुप में है ना मेरा एक ग्रुप है डिस्कशन एट द रेट सेलेंसर सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप में एक प्लस वाला ग्रुप है एक उस ग्रुप में इन दोनों में मैं आपको प्लस वालों को देने की नीड नहीं है उनको तो प्लस की प्रैक्टिस मिल जाएगी ठीक है तो यूट्यूब वाला जो डिस्कशन एट द रेट सेलेंसर है उसमें दे दूंगा और YouTube वाले स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे वही सेम क्वेश्चन जो प्लस वाले उसमें सॉल्व करेंगे बस डिफरेंस इतना होगा जो प्लस वाले सॉल्व करेंगे उनके सामने चार ऑप्शन होगा उसके बाद उनको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन उनका सही था कौन सा गलत था उसके बाद उनको सोल्यूशन भी मिल जाएगा लेकिन जो यूट्यूब वाले होंगे उनको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे और अगले दिन उनके आंसर मिल जाएंगे सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा ठीक है सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा तो वो सोल्यूशन अगर किसी को डिस्कस करना हो तो कोई आपका प्लस वाला फ्रेंड हो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं ठीक है या हमारे ग्रुप में प्लस वाले बच्चे भी हैं वही डिस्कशन एट द रेट सैलेंसर में टेलीग्राम में आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन फंस जाए या फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं लेकिन सोलूशन नहीं मिलेगा यूट्यूब वालों को लेकिन इनको यूट्यूब वालों को तभी मिलेगा जब सारे लोग प्रेजेंट रहेंगे और अगले सेशन में अगर यूट्यूब वाले कम से कम दस पंद्रह प्रेजेंट होंगे तो दूंगा अगर दो चार प्रेजेंट होंगे तो नहीं दूंगा प्लस वाले बच्चों को डेली मिलेगा ठीक है तो ये 18 को एक क्विज मिलेगी आपको 18 18 को को ज्वाइन करना रहेगा, तो सेशन नहीं है फिर ऐसा नहीं है बेटा कि मेरा आप लोगों से यूट्यूब वाले बच्चों से कोई नाराजगी है हाँ नाराजगी इसलिए कि आप लोग प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते एक दिन आते हो अगले दिन गायब हो जाते हो हु। ना नाराजगी इस बात की है यूट्यूब वाले बच्चों के लिए जितना मैंने किया है उतना केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में इस एरा में कोई नहीं कर पाएगा कोई नहीं कर पाएगा जितना मैंने किया है यूट्यूब वालों के लिए अगर उसके बाद भी आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर बेटा हर दिन एक ही हाथ से ताली नहीं बजेगी एक हाथ से ताली बजाने के लिए कहीं पर तो पीटना पड़ेगा है ना तो हमेशा मेरे ही हाथ में लगे ये पॉसिबल नहीं होगा आपको दूसरा हाथ देना पड़ेगा और जब दोनों हाथ से ताली बजेगी तो ताली का मजा अलग होता है लेकिन अगर मुझे हाथ पीटना पड़े तो मुझे पेन होता है इसलिए एक ही हाथ से आपको हमेशा नहीं मिलेगा ये याद रखेगा अगर आप लोग प्रेजेंट रहेंगे तो आप लोगों को जरूर मिलेगा आज जैसा कि मैंने देखा कि अप्रोक्स फिफ्टीन स्टूडेंट प्रेजेंट है अगर डेली इतने स्टूडेंट प्रेजेंट रहे और आपके नेम मैं आज नोट कर लूंगा ये सारे स्टूडेंट डेली प्रेजेंट रहे तो मैं आपको डेली क्विज देता रहूंगा अगर इस तरह भी कर लेंगे मैं कह रहा हूं कम से कम फिफ्टीन क्वेश्चन में पर डे दूंगा तो सिक्सटी क्वेश्चन हम पीडी के सॉल्व कर लेंगे ये ये है है यार ये है। फिर आपको और प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है तो बेटा आप लोगों के लिए मैं फाइव माई टॉप टेन क्वेश्चन फाइव माई टॉप टेन क्वेश्चन ये जो है इस सीरीज में मैं फाइव इसके ले लूंगा तो फाइव में दस दस क्वेश्चन करा दूंगा तो 50 हो जाएंगे, और, 60 100 और करना है तो पीडी क्यू कर डालो वहां भी लगभग -लग क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपके लगभग -लग टेस्ट सीरीज से कुछ कर लिया दो सौ क्वेश्चन में कर ले रहे हो मोर देन सफिशियंट है इससे ज्यादा की नीड नहीं है इससे ज्यादा की नीड नहीं तो चलिए अब बिना लेट किए सेशन को कंटिन्यू करते हैं सो डियर केमी वॉरियर्स है ना अगर हम गेट में इस सब्जेक्ट के वेटेज की बात करें तो इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता लेकिन हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है और जो क्वेश्चन आता है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है तो हमें सिर्फ अगर हम प्लान डिजाइन और इकोनॉमिक्स की बात कर लें तो भी हमारे लिए पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इक्विपमेंट डिजाइन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं मैं रिविजन में इसका इसको इंक्लूड नहीं करूंगा ठीक है तो जो हमारा इसका वेटेज रहता है वो वेटेज रहता है फोर टू फाइव मार्क्स का जो वेटेज रहता है वो फोर टू फाइव मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका ट्री ग्रोथ कॉन्सेप्ट ट्री ग्रोथ कॉन्सेप्ट सेकेंड नंबर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी थर्ड अगर हम लोग बात करें तो हमारा डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन फोर्थ अगर हम लोग बात करें तो बेटा प्रॉफिटिबिलिटी profitability और फिफ्थ अगर हम बात करें तो ऑप्टिमाइजेशन ये फाइव टॉपिक हैं और हम भी इन्हीं पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे आपको भी इन्हीं पर सबसे ज्यादा फोकस करना है इसके कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले आप अटेम्प्ट करिए सॉल्व करिए और मूव करिए ठीक है तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारा गेट का वेटेज फोर टू फाइव मार्क्स रहता है गेट में बेटा एक एक नंबर कहीं से गेन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पीडी का क्वेश्चन सोल्व किया है कि पीसी का किया है कि मैथ्स का 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 या का, -E का, या का, या का, का या आईपीसी आपने किस सब्जेक्ट का किया इससे मतलब नहीं है मतलब इससे है कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं क्या बोलता हूं बेटा हर सब्जेक्ट पर फोकस करो उसका बहुत कोई टफ टॉपिक है वो भले छोड़ दो जो टॉपिक आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो और उतना टाइम नहीं कि आप उतना टाइम दे पाओ तो वो छोड़ दो बाकी हर सब्जेक्ट का कम से कम इजी इजीजी वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन जरूर पढ़ लीजिए अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पीडी छोड़ के जाना चाहता है तो ये मेरे चार दिन के सेशन और चार दिन के जो मेरे क्विजेज या प्रैक्टिस है वो आप अटेम कर लीजिए इतने में आपके पीडी के इतने मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे तो छोड़ के कुछ भी नहीं जाना और मेरा गेट एक्सपेक्टेड कर लीजिए और जितना मैं बता रहा हूं बेटा कि मेरे सब्जेक्ट आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो भी चलेगा जो मेरे टॉप टेन क्वेश्चन गेट एक्सपेक्टेड सीरीज आ रहा है वो पूरा कर लीजिएगा और जो आर का जो रिविजन कराया है प्लस या यूट्यूब में आप वो कर लीजिएगा ठीक है और चारों सब्जेक्ट के आप पी वाई क्यू अटेंट कर लीजिए बट आप गेट क्वालिफाई करके आएंगे इतना मेरी गारंटी है इतना मेरी गारंटी आप गेट क्वालिफाई करके आएंगे इतने से इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको बोलता हूं कि डेली एक एक ब्रांच के कोई भी एक पेपर आप उठा लीजिए और उसके क्वेश्चन कर आप हैबिट में अपने डाल हमें गेट की, की साइट में जाइए गेट ट्वेंटी थ्री की जो ऑफिशियल साइट है उसमें आप क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन देखेंगे सबसे नीचे आइएगा सबसे नीचे जहां पर लिखा है ऑप्शन आता है वहां पर आप क्लिक करिए किसी भी ईयर का किसी भी ब्रांच का आप पेपर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं शायद 2006 तक के पेपर पड़े हुए तो एप्टीट्यूड स्टार्ट ही हुआ था 2010 या 11 से तो आप हर दिन एक ब्रांच का पहले केमिकल के सारे सॉल्व कर लीजिए फिर मैकेनिकल के फिर सिविल के

आप केमिकल के और मैकेनिकल के सॉल्व कर लो ठीक है और जो माई टॉप टेन सीरीज ला रहा हूं वो कर लो तो आप बेटा थर्टीन में कम से कम ट्वेल्व थर्टीन ला सकते हो मैं मिनिमम जोड़ लो टेन ले आओ सीआरई में जितना मैं करवा रहा हूं आप टेन ले आओ थर्टी ये हो गए पीडी में फाइव में मैंने बोला कि चलो एक टू या थ्री आ जाएंगे पीसी में मैंने बोला दो ही नंबर आ जाएंगे तो आपके कितने हो गए थर्टी फाइव मार्क्स हो गए और थर्टी फाइव मार्क्स में आई कानपुर आप फाइट करके क्वालिफाई करके निकल रहे होगी ये मेरी गारंटी है आज लिख लो आप थर्टी फाइव मार्क्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा बाकी आपकी जितनी नॉलेज है वो आपको इसमें प्लस एड करना है है ना एड करना है और चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाई वन यहां से पहला टॉपिक है हमारा टी ग्रोथ कॉन्सेप्ट तो चलो मैं बेसिक से बात करता हूं बेसिक से बात करता हूं सबसे पहले मैं आप लोगों को चार चीजें पढ़ाता हूं सिमुलेशन मॉडलिंग डिजाइनिंग और ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशन मॉडलिंग डिजाइनिंग और ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको हमेशा से एक ही चीज बोली है बेटा कभी भी आप कोई भी टफ सब्जेक्ट पढ़िएगा तो हमेशा उसको अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करिएगा आपको समझ में आ जाएगा मैंने हमेशा से आपको एक एग्जाम्पल दिया है जब भी आप प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स की बात करिए इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हम किसी एक प्लांट की डिजाइनिंग कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स जहां पर इंक्लूड हो गया मतलब हम ऑप्टिमाइजेशन के साथ कर रहे हैं हमें इकोनॉमिक्स का मतलब है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फोकस करना है इकोनॉमिक्स का मतलब है कि पैसे की बात हो रही है इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हमें मार्केट में जो एक ग्रोथ रेट है उसको भी कंसीडर करना है जो हमारे उस पैसे की टाइम के साथ साथ वैल्यू चेंज हो रही है उसको भी कंसीडर करना है जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इन फ्यूचर कितना कॉस्ट होगा उसको भी कंसीडर करना है जो हमारा आज एक, जो हम लोग रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसको भी कंसीडर करना है उसमें कैसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आएगा दैट मीन्स मार्केट में जितना भी पैसे का चेंज होगा ना फ्यूचर की इकोनॉमी होगी लेटेस्ट टाइम पे जो भी हमारा रेट चल रहा होगा वो सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए अपने एक ऑप्टिमाइजेशन लगाना है है ये होता प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स जब इस साल भी नहीं आया था क्या बेटा इक्विपमेंट डिजाइन में हाँ इक्विपमेंट डिजाइन का क्वेश्चन बेटा लास्ट टू से नहीं आ रहा 2016 में लास्ट टाइम आया था उसके बाद से नहीं आया तो चांसेस यही है कि इक्विपमेंट डिजाइन का क्वेश्चन नहीं आता है ठीक है लेकिन आप लोग चाहें तो रिवीजन कर लीजिए और अगर चाहें तो आप बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करिए आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है तो इक्विपमेंट डिजाइन पढ़िएगा अगर नहीं कंप्लीट किया तो पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करिए हर सब्जेक्ट के ठीक है चलो अब बात सुनिएगा आगे तो मैंने बोला कि हमेशा जब भी आपको डिजाइनिंग करनी है तो आप कुछ सोचिए आपको याद है जब हम छोटे थे मुझे नहीं पता भाई आप लोग सिटी से हो आप लोगों को अच्छे अच्छे खिलौने मिल जाते होंगे जब मैं छोटा था तो हमारे पास यार उतने खिलौने नहीं होते थे मैं तो एक गांव से बिलोंग करता हूं दरोगा जी अभी प्रेजेंट थे वो तो जानते हैं ठीक है तो वहां पर ऐसे मतलब आजकल के जो एकदम लेटेस्ट टेज जाते हैं वो सब हमारे पास नहीं थे तो हम लोग क्या जो चीज़ें होती थी उसी में खुश हो जाते थे गीली मिट्टी मिल जाती थी तो गीली मिट्टी से ही अपनी खिलौने बना लेते थे डॉल बना लेते थे ट्रैक्टर बना लेते थे ट्रक बना लेते थे तो कभी हम लोगों ने गीली मिट्टी से ट्रैक्टर बनाना सीखा है तो जब ट्रैक्टर बनाना सीखा है

ठीक है तो जस्ट आप लोगों ने अगर कभी ये चीज फे, फेस की हो या कभी बनाया हो तो बेटा ये भी एक डिजाइनिंग का ही पार्ट है सर मैंने स्लीपर से टायर बना के चलाए ठीक है देखो तो कई लोग हैं अभी हमारे ही आ, जैसे है ना जिन्होंने ये सारी चीजें देखी है तो ये क्या होता है आपको किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि भैया सौ मिट्टी के ट्रैक्टर बना के दो पर ट्रैक्टर सौ रुपए देंगे नहीं ना ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक उपज थी हमने ट्रैक्टर बनाया अच्छा ट्रैक्टर कैसे बनाया कभी आपने ट्रैक्टर देखा होगा तब बनाया ना या आपके सपने में आया था कि आपने ट्रैक्टर बना के रख दिया तो नहीं ना तो मतलब आपने कहीं पर देखा होगा और जिसको देख के आपने बनाया यही है सिमुलेशन मॉडलिंग यही है सिमुलेशन मॉडलिंग समझिएगा जब भी हम सिमुलेशन की बात करते हैं एक एक स्टेप समझिएगा आज ये डिजाइनिंग वाला पार्ट पूरा फिनिश करेंगे ठीक है तो सिमुलेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो सिमुलेशन क्या होता है किसी एक मॉडल को देख के उसी की तरह हमें बनाना उसको कॉपी करना है ना उसको देख के सीखना ये कहलाता है हमारा सिमुलेशन और फिर उसके बाद उसी सिमुलेशन के बेसिस पे जो हमने देखा जो हमने सीखा एक मॉडल तैयार कर देना जो हु उसी के जैसा हो है ना उसके जैसा हो वो हमारा कहलाता है मॉडलिंग फिर हमें क्या रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको छोटा बड़ा करना है ना हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना वो कहलाता है हमारा डिजाइनिंग और फिर डिजाइनिंग करने के बाद एक तो हमने बना लिया तो पहला जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें कठिनाई होती है लेकिन उसके बाद जब हम बार बार बनाते हैं तो वो चीजें आसान हो जाती हैं जब हम उसको और बेटर वे में बनाना चाहते हैं तो हम उसको और बेटर वे में उसको कम कॉस्ट में भी बना सकते हैं जैसे इस बार मैंने बताया आपको आप मान लीजिए कहीं पर घूमने जाओ घूमने जाओ आप घूम के आए पूरी ट्रिप में एक लाख रुपए खर्च हुआ लेकिन अगर आप दोबारा फिर वहीं जाओगे तो अब आपका एक लाख नहीं खर्च होगा आप उससे कम अमाउंट में ज्यादा फैसिलिटी गेन कर पाओगे क्योंकि एक बार का एक्सपीरियंस आपको मिल गया तो वही चीज होती है एक बार आपने डिजाइनिंग की आपको एक्सपीरियंस मिल गया फिर आप क्या करोगे अब उसको कॉन्टिन्यूसली ऑप्टिमाइज करते जाओगे और अपनी जो कॉस्टिंग है उसको मिनिमाइज करते जाओगे वो हमारा ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है तो हमने बोला हमने बोला कि चार चीजें हैं सिमुलेशन मॉडलिंग डिजाइनिंग और ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है सिमुलेशन अब हम लोग डिफिन की बात कर लेते हैं टू सिमुलेट एनी प्रोसेस लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशन और प्रोसेस ऑफ सिस्टम इज नोन एज सिमुलेशन है ना एक पर्टिकुलर कोई अप्रोक्सीमेट लिमिटेशन हमने किसी को देखा और उसके अकॉर्डिंग जो जो हमने फील किया जो जो सीखा उसी के जैसे हम लोगों ने उसको कॉपी कर लिया वो हमारा सिमुलेशन कहलाता है मॉडलिंग कहलाता है कि उसके बाद फिर हमने उसका एक प्रॉपर मॉडल बनाया हमने जैसे ट्रैक्टर को देखा और हमारे दिमाग में आ गया अच्छा ट्रैक्टर में ये अच्छा चार पहिए थे पीछे ट्रॉली में दो पहिए थे आगे एक इंजन था उसकी स्टेयरिंग थी ऊपर हमारे ऐसी छतरी लगी हुई थी बैठने के लिए यहाँ सीट थी ड्राइवर सीट अलग थी है ना उसको आगे पीछे लाइट लगी हुई थी पीछे ट्रॉली थी ट्रॉली आगे ट्रैक्टर से इस तरह से कनेक्टेड थी ट्रॉली में इस तरह से उसका एक पार्ट था चारों तरफ से वो कवर की गई थी सब कुछ हमने देख लिया सिमुलेट कर लिया हमने मन में उसको कॉपी कर लिया ये सिमुलेशन हो गया फिर हम घर आए वो सारे पार्ट हमने इकट्ठे किए और वैसे ही हमने बनाया वो मॉडल हो गया फिर उसके बाद हमें हमने छोटा सा मॉडल बनाया ना प्रोटोटाइप हमने छोटा मॉडल बनाया अब हमें बड़ा मॉडल बनाना है अब हमें उसको यूज करना है तो हमने उसकी डिजाइनिंग कर दी और उसका एक बड़ा मॉडल बना दिया फिर फोर्थ पार्ट में अब हम जब उसको कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहेंगे तो हम उस प्रोसेस को पूरा ऑप्टिमम करते रहेंगे ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन है और ये बेसिक स्टेप होते हैं किसी प्लांट डिजाइनिंग एंड इकोनॉमिक्स के ठीक है चलिए आगे आगे मूव करते हैं ठीक है फिर मैंने बोला कि ये बेसिक स्टेप्स ऑफ प्लान डिजाइन तो जब हमने ये सारी चीजें सोच ली सब कुछ कर लिया तब हमारे पास कुछ ये बेसिक स्टेप्स आते हैं ठीक है मैं इनमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा जस्ट आपको दिखा दिया कि इतने स्टेप्स होते हैं क्योंकि ये गेट में कभी नहीं पूछा जाता तो मैं गेट अभी इनकी डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा जस्ट मैं एक बार पढ़ देता हूं क्या क्या होते हैं इंसेप्सन सेप्शन मतलब होता है सर्वे करना हम कोई भी प्लांट लगा रहे हैं तो पहले उसके बारे में सर्वे करते हैं हम वो प्लांट लगाएं या न लगाएं ऐसा तो नहीं प्लांट के लगाने में हमारा लॉस हो हम वो प्लांट लगाएंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो तो एक सर्वे किया जाता है फिर प्राइमरी ये इकोनॉमिक एंड मार्केट मार्केट के बेसिस पे हम लोग एक करते हैं कि इसका रॉ मटेरियल कितने का मिलेगा इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी प्रोडक्ट बनके कितने में तैयार होगा मार्केट में इसकी कॉस्ट क्या है इसमें बेनिफिट कितना है प्रॉफिट कितना है कितना मार्केट में लोगों को प्रॉफिट देना है मतलब जो डीलर होंगे उनको कितना प्रॉफिट देना है वो सब एक मार्केट इंसेप्सन करते हैं और वो पूरा इवेल्यूएसन होता है फिर अरेंज रिक्वायर्ड डेटा फॉर डिजाइनिंग अब हमें वो प्लांट लगाना है तो उस प्लांट को लगाने के लिए कितनी कैपेसिटी का होना चाहिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए कौन कितना पाइपिंग सिस्टम चाहिए कितना हमें लैंड चाहिए है ना क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें निकालते हैं उसको बोलते हैं अरेंज

ठीक है जिससे हम लोग डिफरेंट कैपेसिटी के बेसिस पे डिफरेंट टाइम के बेसिस पे वैल्यू का इवेल्युएशन करते हैं अभी मैं दोनों मेथड पढ़ाऊंगा आप लोगों को ठीक है तो हम लोग वो मेथड से

कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा अब कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा पूरा रेडी हो गया तो स्टार्टअप एंड ट्रायल फॉर प्रोडक्शन हमारा अब ये कंस्ट्रक्शन से लेकर स्टार्टअप ऑफ ट्रायल प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्शन इनके बीच में ही हमारी पूरी इकोनॉमिक्स और डिजाइनिंग लगेगी अभी मैं वो पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो ये जीरो टाइमलाइन में आता है हम लोग अब हमारा प्लांट रेडी होता है ट्रायल के लिए हम लोग ट्रायल करते हैं और इसके बाद जब वो ट्रायल सक्सेस हो जाता है तो फुल कैपेसिटी में प्लांट को रन कराने लगते हैं और उसके बाद फिर उसको कॉन्टिन्यू ऑप्टिमाइज करते हैं मिनिमम कॉस्ट में उसको रन कराना हमारा एम होता है तो ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट हो जाता है फिर इसके बाद मार्केटिंग है ना उसकी एडवर्टाइजमेंट करना उसको सेल करना है ना रॉ मटेरियल कॉन्टीन्यूसली अरेंज करना उसको sell, आ, आ, उसको मार्केट में बेचना वहाँ से जो पैसा आएगा वो रिटर्न लेना रिटर्न से फिर सारा पूरा एक साइकिल बनाना और कॉन्टीन्यूसली रन टिल लाइफ टाइम और जितना भी उसका लाइफ टाइम होगा वो कॉन्टीन्यूसली अरेंज करना और वो कैश फ्लो तो हमें अब क्या क्या पढ़ना है ये सारी तो बेसिक चीज़ें थी हमें पढ़ना है स्टार्ट करना है बेटा यहाँ से कि ये कंस्ट्रक्शन से क्या होगा स्टार्टअप ट्रायल ये जीरो टाइमलाइन क्या होगा ये ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा और ये कैश फ्लो क्या होगा ये सारी चीजें हमें टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट लव यू बेटा लव यू थैंक यू ऑल ऑफ यू आज की स्ट्रेंथ अच्छी है बट उतनी जबरदस्त नहीं जो हम लोग उम्मीद करते हैं बट ठीक है ठीक है देर आए दुरस्त आए जितने आए उतने ही अच्छे आए ठीक है तो बस लेकिन आप कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करिए कभी फिफ्टी फाइव हो जाता है कभी फिफ्टी हो जाता है कभी फोर्टी सेवन हो जाता है है ना तो एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करिए बने रहिए और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया तो बेटा सेशन को लाइक कर दीजिए ठीक है चलो आगे कॉन्टिन्यू करते हैं और जिसने प्लानिट गेट सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो यार काम आएगा आपके केमिकल इंजीनियरिंग का अकेला चैनल है जो पूरे इंडिया में तबाही मचाए है ठीक है ऐसा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो मिल रहा है ना वो पैसे खर्च करके भी नहीं मिलने वाला तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो है ना चलो आगे बात करते हैं टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट सर ये क्या होता है टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेटा टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल का मतलब होता है हमारा अमाउंट पैसा जो भी हम कंपनी के लिए लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा पैसा कैपिटल है ठीक है उसका हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टोटल कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम बात उसकी कर रहे हैं अमनदीप बेटा मैं आप लोग आपसे सेशन के बाद में बात कर लूंगा है ना आपका बार बार कॉल आ रहा था बट उस टाइम पे मैं क्लास में था और पहले मैं मीटिंग में था ठीक है चलो तो समझिएगा आगे टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अब आपने एकदम सडन आप मान लो अब आप, आप केमिकल इंजीनियर हो सडन आपके दिमाग में आता है कि चलो यार एक मैं कंपनी लगाता हूं तो जो आप कंपनी लगाने का सोच रहे हो ना तो जो कंपनी आप लगाना चाह रहे हो उस कंपनी को लगाने के लिए क्या सपने में लगा लोगे जैसे आप सपने में देख लेते हो मैं गेट में ना पहली रैंक लेके आऊंगा तो ये सपना था यार रियलिटी नहीं थी रियलिटी तो एक ही का ट्रू होता है और ज्यादातर उसी का सच होता है जिसने ये नहीं सोचा होता कि पहली रैंक लेके आऊंगा वो सोचता है मैं अच्छी रैंक लेकर आऊंगा अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा और गलती से उसकी पहली रैंक आ जाती है और जो सोचता है ना पहली रैंक लेके आऊंगा मोस्टली टाइम्स उसकी पहली रैंक नहीं आती सोचते तो बहुत लोग हैं कितों का सही होता होगा तो सिंपल सी बात इतनी है कि आपने सोचा तो सोचा सपने में नहीं सोचना आपने सोचा मैं प्लांट लगाता हूं अरे तो प्लांट लगाने के लिए एक लमसम अमाउंट चाहिए एक हायर वैल्यू और वो कहां से अरेंज होगा उसको कैसे अरेंज करना है तो जिस दिन आपने सोचा और उसके बाद आप उठे आपने बाइक कार उठाई मार्केट सर्वे के लिए निकले बैंक में कांटेक्ट करने के लिए निकले आप उसका पैसा अरेंज करने के लिए निकले आप उसको मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बनाना है कौन क्या करना है उसके लिए निकले वहां पर एक रुपये भी आपका इन्वेस्ट हुआ वहीं से हमारा सम होना स्टार्ट हो जाता है वहीं से हम लोग उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं और जिस दिन हम प्रोडक्ट के बारे में इंडस्ट्री के बारे में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं वहीं से हमारा वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है और ये इन्वेस्टमेंट आपका तब तक कर चलता है तब तक चलता है जब तक आप मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर देते मार्केट से हमारा पैसा रिटर्न नहीं आ जाता तब तक ये हमारा कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहता है तब तक हमारा इन्वेस्टमेंट होता है और जब हमारा market से पैसा रिटर्न इन्वेस्टमेंट वहीं पर बंद हो जाता है और वहां से उस वैल्यू को हम बोलते हैं रिटर्न उस वैल्यू को हम बोलते हैं रिटर्न फिर उस रिटर्न को हम कुछ इस तरह से सेटअप करते हैं इस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं तो फिर वो कहलाता है हमारा कैश फ्लो तीन चीजें समझ में आई पहला मैंने क्या बोला इन्वेस्टमेंट दूसरा मैंने क्या बोला रिटर्न तीसरा मैंने क्या बोला कैश फ्लो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं जिस दिन आपने प्लांट लगाने का प्लान किया और उसके बाद से आपने जो भी एक सिंगल रुपए भी इन्वेस्ट किया आपने कहीं भी खर्च किया वहीं से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया और उसके बाद उस प्लांट के लिए उसे अपने, अपने सपने को पूरा करने के लिए जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो ये पूरा इन्वेस्टमेंट कहलाता है तब तक जब तक कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर देते और मार्केट में जैसे ही आप सेल कर देते हो सेल करने के बाद वहां से जो पहला रुपए वापस आता है वहां से हमारा रिटर्न स्टार्ट हो जाता है जैसे आपने मार्केट में सेल किया और किसी ने पहला प्रोडक्ट खरीदा और आपको एक रुपए भी वापस दिया है ना हमारी जेब में आया वहाँ से हमारा रिटर्न स्टार्ट हो जाता है और वन ईयर तक का जो रिटर्न होता है उस रिटर्न से फिर हमारा रिटर्न कॉन्टिन्यूसली आता रहता है अब हम एक टाइम पीरियड के रिटर्न को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर देते हैं चेंज कर देते हैं सर कैसे कर देते हैं वो आगे मैं सब बताऊंगा कैसे कर देते हैं तो उसके बाद जो रिटर्न आता है और हम लोग अपने जनरल टर्म में प्लान डिजाइनिंग में

वो हमेशा उस कंपनी में उतना अमाउंट स्टोर करके रखते हैं हमेशा उतना बना के रखते हैं ठीक है जैसे वो खर्च होता है तो उसको फिर से वापस उतना बना लेते हैं दूसरा पार्ट होता है हमारा वर्किंग कैपिटल वो हमेशा हमारा रनिंग में होता है होता हमारे पास ही है लेकिन वो हमेशा हमारा हाथ में नहीं होता वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट के टम वो पर्टिकुलर हमारा रॉ मटेरियल के टम में वहां की कॉस्ट के टम में प्रेजेंट होता है और उसकी रिकवरी पूरा का पूरा प्लांट के सर्विस लाइफ के बाद में होती है तीसरा हमारा होता है इक्विपमेंट की सेल्वेज वैल्यू वो भी हमारे पास होती है क्योंकि इक्विपमेंट हमारे पास होता है जब हम सर्विस लाइफ के एंड में उसको सेल करेंगे तब हमें उसकी सेल्वेज वैल्यू मिल जाएगी और चौथी चीज होती है हमारी लैंड कॉस्ट जो हमारे पास होती है जिसमें हमारा प्लांट लगा होता है और इसकी रिकवरी भी एट द एंड ऑफ द सर्विस लाइफ होती है तो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट में ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी उसी इन्वेस्टमेंट में हमारी लैंड भी थी उसी इन्वेस्टमेंट में हमारा रॉ मेटेरियल भी था उसी इन्वेस्टमेंट में बाकी सब कुछ था लेकिन एक बार इसका इन्वेस्टमेंट होने के बाद यह हमारा एक साइकिल बन जाती है और जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है और जो हमारा रिकवरी और उसका मैनेजमेंट वो दोनों मिला के हमारा वो रिटर्न होता है जो कि कैश फ्लो और हमारा डिप्रिसिएशन या कैश फ्लो में डिप्रीशन इंक्लूडेड होता है जो हमारा कैश फ्लो और जो हमारा रिटर्न आता है उसको हम लोग मैनेज करते हैं अब कैसे करते हैं ये सब हम करते हैं बेटा एक प्रोसेस की हेल्प से और उसको हम लोग बोलते हैं ट्री ग्रोथ कॉन्सेप्ट एंड कॉमलेटिव कैश पोजिशन क्या होता है ये चलिए समझते हैं तो हम आ जाते हैं ट्री ग्रोथ कॉन्सेप्ट में ये क्या होता है ट्री ग्रोथ कॉन्सेप्ट मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया था ठीक है सारी चीजें समझते जाए देखो बेटा आपने पूरा फुल कोर्स किया है फुल कोर्स किया है तो समझने का ट्राई करो आपको सारी चीजें रिकॉल होती जाएंगी और अगर आपने कभी मेरे से पीडी नहीं पढ़ी किसी और से पढ़ी है तो हो सकता है उन्होंने ये सारी चीजें ना पढ़ाई हो डायरेक्ट आपको या तो ऑप्टिमाइजेशन से स्टार्ट किया हो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी से या डिप्रिसिएशन से या फिर डायरेक्ट इंटरेस्ट से तो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं आप सीखते जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई होंगी तो आपको समझ में आता जाएगा जिसने आज तक पी डी नहीं पढ़ी वो मैं जो चीजें लिखता जाऊं वो आप अपने पास नोट करते जाइएगा आपको काम आएगा आप समझिएगा ये है हमारा ट्री ग्रोथ कॉन्सेप्ट सर ये कैसा है ट्री ग्रोथ ट्री एक जैसा हमारा पेड़ होता है ना पौधा होता है उसी तरह ये हमारा ट्री ग्रोथ कॉन्सेप्ट होता है वो पौधा जैसे जैसे ग्रो करता है ये ट्री ग्रोथ कॉन्सेप्ट भी वैसे वैसे ग्रो करता है और जब वो पौधे में फल लगते हैं ऐसे इस ट्री ग्रोथ कॉन्सेप्ट में फल लगते हैं फल लगने का मतलब लग प्रोडक्ट बनना जैसे वो पेड़ के प्रोडक्ट बनते हैं फल इसी तरह इस प्लांट के प्रोडक्ट बनते हैं उसका जो प्रोडक्शन होता है जो प्रोडक्ट बनता है फिर फल को जब हम मार्केट में सेल करते हैं तो पैसा मिलता है इसी तरह प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं तो पैसा मिलता है सेम टू सेम वही बिहेवियर होता है जो हम लोगों अपने घरों में पौधा लगा लगा के पेड़ लगा के पेड़ फ्रूट लाके उसको मार्केट में सेल करके पैसा गेन करते हैं सेम वही कॉन्सेप्ट होता है अब समझिएगा सॉरी गाइज मैं आप लोगों के किसी के अभी कमेंट नहीं ले पा रहा हूं बाद में मैं कमेंट पढ़ के आपको आंसर कर दूंगा ठीक है तो अभी जस्ट थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं सुनिएगा सुनिएगा क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा तो आज हमारा जो जितना टॉपिक मैंने सोचा है कंप्लीट करने का वो हो नहीं पाएगा तो बस कंटिन्यू करते हैं समझिएगा तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल सोर्स एंड सिंक कैपिटल सोर्स बेटा वो प्लेस वो टाइम है जब आपने पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया तो जो आपने पैसा इकट्ठा किया उसको बोलते हैं कैपिटल सोर्स उतना आपने सोर्स मेंटेन किया तो मैं रेड लाइन से करता जाऊंगा आपको दिखता जाएगा ये है बेटा कैपिटल सोर्स ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कैपिटल सोर्स ठीक है ये कैपिटल सोर्स अब जब आपने कहीं पर पैसे से एक बीज खरीदा और बीज को खरीद के आपने जमीन में लगा दिया और उसके बाद वहां से वो प्लांट बनना स्टार्ट हुआ तो वो बेटा जो आप बीज लगाते हो बीज का पैसा जो होगा वो कितने का होगा सौ रुपए का पांच सौ रुपए का एक पौधा या बीज जो भी लेके आए आपने वो लगा दिया फिर उसके बाद क्या आपको और कुछ नहीं करना फिर कॉन्टिन्यूसली आपको उसकी रखवाली करनी है जहां पर लगाया होगा वो जमीन आपकी होगी आपने खरीदी होगी तो वो हमारी लैंड परचेज की लैंड परचेज करने के बाद हमने इक्विपमेंट मंगाए इक्विपमेंट वहां पर लगा दिए ठीक है उस लैंड को सेफ्टी भी करनी है हमें नहीं तो पता चला कोई जानवर आ गया खा गया प्लांट के लिए आपने लगाया कोई चोर डकैत आए वो पूरे इक्विपमेंट उठा के ले गए जो सामान पड़ा है वो सब ले गए तो हमें उसकी सेफ्टी भी करनी है तो हमने पूरी चारों तरफ से उसकी बाउंड्री बनवाई जैसे पेड़ को बचाने के लिए हम लोहे का एक चारों तरफ जाल बना देते हैं ताकि कोई जानवर आके ना खा जाए इसी तरह हमने ज़मीन खरीदी चारों तरफ से उसको आ, आ, वो बाउंड्री बनवा दी है न कुछ सिक्योरिटी गार्ड रख दिए और वहाँ पर अब हमारा कॉन्टीन्यूसली वर्क चलता रहा हम टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसको पानी खाद है ना उसको जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करते रहे और यहाँ प्लांट में क्या चाहिए पैसा चाहिए पैसा हम देते रहे वो प्लांट ग्रो करता रहा ग्रो करने लगा प्लांट हमारा थोड़ा सा वो जो पौधा है बाहर निकला और उसमें ये स्टेम बना तना है ना ये स्टेम आया धीरे धीरे ये ग्रो करने लगा बड़ा होने लगा और बड़ा होने लगा और बड़ा होने लगा लेकिन ये जैसे जैसे बड़ा होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट होगा ठीक है हमने लैंड पहले परचेज कर ली होगी तब उसमें पौधा लगाया होगा और तब वहां पर अब ये हमारा एक होता है बेटा फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपने इक्विपमेंट परचेज किए होंगे और जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरह का होता है एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एक होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो होता है जो डायरेक्ट प्रोसेस से रिलेटेड होता है जहां पर हमारा प्रोडक्शन होना है जहां पर हमारा प्रोडक्ट बनना है तो वो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे आपने इक्विपमेंट खरीदा आपने उसकी पाइपिंग कराई इक्विपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किए है ना वेसल्स मंगाया है ना वहां पर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगाए है ना उसका टेम्परेचर प्रेशर ये सब मेजर करने के लिए तो जितना भी आपका इंस्ट्रूमेंट था वो सारा का सारा जितना भी आपका पाइपिंग सिस्टम था वो सारा का सारा जो इक्विपमेंट था उसका सपोर्ट था उसके लिए जो बिल्डिंग थी वो सब कुछ जो इन्वेस्टमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है और जो आपने बाहर बाउंड्री बनवा दी आपने लाइट लगवा दी आपने फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी वो सब आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग है जो डायरेक्ट प्लांट्स के प्रोसेस से रिलेटेड है वो मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल और जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग लेकिन इसको हम बोलते है, इसलिए बोलते हैं हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि ये वन टाइम होता है बाउंड्री आपने बनवा दी वो एक बार बनवाते हैं हर हर छह महीने में उस बाउंड्री को गिरवा के फिर तो नहीं नहीं बनवाते तो ये सब हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है अब इसमें कमियां मत निकालना सर अगर बाउंड्री गिर गई तो उसको वापस वैसे ही पड़ी रहने देंगे क्या कि उसको सही करवा देंगे तो वो बेटा रिपेयरिंग कॉस्ट कॉस्ट में में आता है है ना ना कि हमारा वापस से वो आ, कोई और इन फिक्स कैपिटल आएगा हाना? तो एक बार हमने लगा दिया वो फिक्स कैपिटल उसके बाद वो रिपेयरिंग कॉस्ट सर अगर कोई इक्विपमेंट खराब हो गया तो वो फिर फिक्स कैपिटल का पार्ट होगा कि नहीं होगा वो बेटा जो डिप्रीसिएशन आप निकालते हो उससे हम रिप्लेस कर लेते हैं सर अगर उतना तब तक आपने नहीं कवर किया तो तो से यूज़ कर लेते हैं, उसको बाद में कर देते हैं। ठीक है? ये आपके जब हम लोग कोर्स कर रहे होते हैं अभी हम लोग रिविजन कर रहे हैं तो अभी जितना बताऊं बस उतना सीखते जाइए और क्रॉस क्वेश्चनिंग मन में मत लाइएगा ठीक है तो हमने क्या किया मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग अब हमारा प्लांट रेडी हो गया अब हमने वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया हमने रॉ मटेरियल मंगाया वहां पर लेबर रखे जो वर्क करेंगे जो कैटलिस्ट लगेगा मेरी बात को जो फिक्स कैपिटल होगा वो एक बार में इन्वेस्ट करेंगे वो दो तरह का होगा मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा एक बार इन्वेस्टमेंट हो डायरेक्ट प्रोसेस प्लांट से रिलेटेड हो वो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा एक ही बार इन्वेस्टमेंट हो लेकिन प्लांट के प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा बार बार इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो वर्किंग कैपिटल जैसे हमारा रिपेयरिंग कॉस्ट लग रहा है हमारा इक्विपमेंट सॉरी रॉ मटेरियल कॉस्ट है यूटिलिटीज कॉस्ट है हमारा आ, सैलरी है हम जिसको लेबर रख रहे हैं उसका कॉस्ट है हमारा रॉ आ रहा है उसका मेटेरियलेशन कॉस्ट है एटसेट्रा 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 ये सब अब आप डिसाइड कर लेना कौन वन टाइम है कौन टाइम टू टाइम है टाइम टू टाइम वर्किंग कैपिटल अब हमारा मार्केट से रॉ मेटेरियल आ गया सारा सब कुछ आ गया प्लांट रेडी है तो यार फिर विश्वकर्मा पूजा करके स्टार्ट कर दो ना प्लांट को तो अब हम क्या करें यहां से स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही प्लांट स्टार्ट करते हैं तो हमारा ट्रायल होता है ट्रायल में सक्सेसफुल ट्रायल को हम लोग फुल कैपेसिटी पे नहीं करते जस्ट एक ट्रायल कर लेते हैं उसके बाद फुल कैपेसिटी पे प्लांट रन कराते हैं और जैसे ट्रायल सक्सेसफुल हुआ जय माता दी बोल के स्टार्ट कर देंगे फुल कैपेसिटी पे जैसे ही प्लांट रन करना स्टार्ट किया प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट बनते ही हम मार्केट में उठा के ले जाएंगे मार्केट में सेल करेंगे और जैसे ही मार्केट में सेल किया वहां से हमें पैसा मिलना स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं रिटर्न फ्रॉम सेल्स और यह आना स्टार्ट हुआ देखो लिखा, लिखा है क्योंकि ये राइटर की बुक का, आ, बेटा, आ, है। यहां पर हम इंडियन में लिखेंगे रुपीज रिटर्न और यहां से हमें मिलना स्टार्ट हो गया इसको हमने मान लिया अमाउंट एस है ना सेल सेल मतलब ये हमारा टोटल इनकम आना स्टार्ट हो गया ये जो रिटर्न है समझिएगा जो रिटर्न है ये हमारा क्या है इनकम कहलाता है कितना हमारे पास आ रहा है ठीक है ये इनकम कहलाता है फिर जब हमारे पास आया तो अब हम इसमें क्या करेंगे अब एक साल का जो रिटर्न आया उस एक साल के रिटर्न में हम एक साल का जो भी एक्सपेंसेस होगा रॉ मटेरियल का यूटिलिटीज का कैटलिस्ट का केमिकल्स का सैलरीज का वेजेस का और एटसेट्रा वगैरह वगैरह लोडिंग अनलोडिंग ये सब वर्किंग कैपिटल जो होगा जो मैं बोलूं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा वो सब हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे और वो जब पूरा माइनस कर देंगे तो हमने उतना कॉस्ट यहां पर निकाल लिया कॉस्ट फॉर द ऑपरेशन इसको क्या बोलते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट उसको क्या बोलते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट इसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है इसको हमने मान लिया सी नॉट ठीक है अब समझिएगा मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं रिटर्न रिटर्न या रिटर्न या इनकम उसको हमने क्या मान लिया एस आई सेल फिर इसके बाद जो हमारे पास ऑपरेशनल कॉस्ट है ऑपरेशनल कॉस्ट है वो हमारा है बेटा सी नॉट ठीक है अब अगर हमारा इतना ऑपरेशनल कॉस्ट है और इतना पैसा वापस आया तो इसमें इसमें माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचा बाकी जो बचा वो हमारे पास आ गया उसको क्या बोलते हैं जो हमारे पास बचा ठीक है ऑपरेशनल कॉस्ट माइनस करने के बाद हम क्या बोलते हैं कोई मुझे बताएगा कोई मुझे बताएगा क्या बोलते हैं अरे कोई तो बता दो क्या बोलते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर डिप्रीसिएशन ठीक है इसको बोलते हैं नॉर्मली प्रॉफिट ठीक है और इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इसको क्या बोलते हैं बेटा ग्रॉस प्रॉफिट और इसका नाम क्या होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर डिप्रीसिएशन बात समझ में आ रही है इसको सिर्फ और सिर्फ या तो प्रॉफिट बोलेंगे या ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम ग्रॉस अर्निंग भी बोलते हैं इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ग्रॉस अर्निंग भी बोलते हैं ठीक है और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर डिप्रीसिएशन होता है और इसको हम क्या बोलेंगे एस आई माइनस सी नॉट क्लियर ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से समझते जाना और ये पेशेंस नहीं है बच्चों में मुझे नहीं समझ में आता देखने के लिए आते हो यार यहां मुंह दिखाई थोड़ी चल रही है मेरी है ना चलो आओ चलो साइलेंसर को देख के आते हैं है ना लाइक वाला एक बटन दबा के उनकी दक्षिणा भी देते चले आएंगे है ना तो मैं मुंह दिखाई थोड़ी चल रही है मेरी जो आए बस दर्शन किए है ना लाइक बटन दबाई दक्षिणा दे दी है ना मुँह दिखाई दे दिया जाता है ना ऐसा होता है ना नई नई दुल्हन आती है तो मुंह दिखाई का एक बुलावा होता है लोग उसमें जाते हैं है ना और उसके अकॉर्डिंग ग्यारह रुपए इक्कीस रुपए इक्यावन रुपए दे के मुँह दिखाई करके चले जाते हैं तो भाई यहां वो थोड़ी चल रहा है यहां तो आपको ज्ञान मिल रहा है तो कम से कम प्रेजेंट रहो रुको है ना आए कितने सारे लोग 65 लाइक्स हैं लेकिन प्रेजेंट कितने फोर्टी वन ठीक है तो यार ऐसा क्यों करना है है ना जिस दिन मेरी दिखाई होगी तो उस दिन मैं बता दूंगा ठीक माता ताक... अच्छा माथा टेकने आते हैं हाँ ठीक है तो ऐसा मत करो भाई तो चलो अब अब जितने लोग हैं कोई जाएगा नहीं कोई जाएगा नहीं ठीक जाना है तो अभी निकल लो एक 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 करके कम ना हो एक एक झटके मत दो जाना है सीधे चालीस से बयालीस से दस बचेंगे मैं पढ़ाता रहूंगा आगे लेकिन ऐसे एक एक सर अब जा रहे हैं सर अब जा रहे हैं अरे ये सारी चीजें आपकी यूज होंगी अभी आपको लग रहा है ये आसान है समझ में नहीं आता जो फुल कोर्स पढ़ चुके उनको भले आता हो नहीं अच्छे अच्छे है ना जब ये क्वेश्चन आते हैं ना तो फिर यही सोचते हैं यार ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है इतना बड़ा क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आता फिर चलो चलो देखो अब आगे देखो अब आगे देखो तो ये ग्रॉस अर्निंग ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर डिप्रीसिएशन इतना हो गया अब जैसे ही हम डिप्रीशिएशन depreciation... यहां पर माइनस करेंगे तो हमने क्या माना डिप्रीसिएशन डिप्रीशिएशन ये डिप्रीशिएशन क्या होता है ये होता है डी आई हमने मान लिया इसको डी आई अब जब डिप्रीशिएशन माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट फोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इसको क्या बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट इसको क्या बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल प्रॉफिट इसके सबके ये सब एक ही नाम है ठीक है और फिर यह क्या होता है जब बेटा डी आई भी माइनस कर दिया तो यह एस आई माइनस सी नॉट डी आई ये हो गया ठीक है अब जो ये ये अमाउंट बचा ये ये अमाउंट बचा, तो बिफोर टैक्स था, था, बिफोर टैक्स टैक्स अब इसमें भी माइनस करेंगे अब इसमें टैक्स भी माइनस करेंगे तो अब हमारा आ गया जितना डिप्रीसिएशन आपने निकाला ये सी आई निकाला ये सी नॉट निकाला तो ये सी नॉट बेटा यहीं पर रिसाइकिल हो गया तो ये सी नॉट क्या होता है रिसाइकिल ये कॉन्टिन्यूअस्ली हमारा वहीं पर ऑपरेशन में यूज होता रहता है तो ये हम सेव नहीं करते इसको वापस से भैया आ गया, है ना जैसे आपके घर में होता होगा ना कि पापा जॉब करते हैं सैलरी आई अच्छा तो यार वो परचून वाले दुकान भाई साहब को ना उनको जाके ये उनका हिसाब करके आओ पिछले महीने का कितना था है ना उसको ये पैसा दे के आओ उनका कितना था तो जब सैलरी आई तो वो पूरा हमने निपटाया तो ऐसे ये नॉट ना ऐसे एक साइकिल बना रहता है फिर जो डिप्रीशियन निकाला तो ये हम लोग क्या करते हैं स्टोर करते हैं अपने पास लेके रखते हैं ये 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 हमारा डीआई आ गया फिर इसके बाद जितना अमाउंट अमाउंट था ये यहां पर कितना था ये अमाउंट था प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला अब इसमें हमने टैक्स पे किया इसका टैक्स निकाल दो और वापस से टैक्स यहां पर भेज दो ये हमने टैक्स निकाल दिया कितना है मान लिया हमने टी परसेंट टैक्स है मान लिया टी परसेंट टैक्स है तो बेटा जो टी के अलावा बचा आपने इस अमाउंट का टी परसेंट निकाला तो टैक्स कितना होगा टैक्स कितना होगा तो टैक्स होगा बेटा पीबीटी प्रॉफिटेंट यह टैक्स होगा और वन माइनस टी परसेंट कर देंगे अरे हंड्रेड से डिवाइड कर दोगे तो यार फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ जाएगी और वन माइनस टी परसेंट कर देंगे तो हमारा आफ्टर टैक्स अमाउंट होगा तो हम क्या बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा पीबीटी का वन माइनस टी परसेंट बात समझ में आई क्या पीबीटी का वन माइनस टी परसेंट यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो नहीं ना जब हम लोगों ने टैक्स को माइनस कर दिया या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं समझिएगा या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं पी ए टी इजक्वल टू इजक्वल टू पी बी टी माइनस टैक्स माइनस टैक्स और ये किसके इक्वल होता है पी बी टी वन माइनस टी परसेंट ठीक है ये हो गया अब हमने ये टैक्स भी निकाल दिया अब जो बचा यही हमारा क्या कहलाता है नेट प्रॉफिट ये क्या कहलाता है नेट प्रॉफिट तो यहां से बेटा देखेगा यहां से देखिएगा ये हमारा क्या आ गया नेट प्रॉफिट ये क्या आ गया नेट प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट और जब नीचे आया तो ये डिप्रिसिएशन यहां पर ऐड हो गया तो ये वाली जो लाइन आई ये वाली लाइन क्या आई बेटा या, या नेट प्रॉफिट प्लस डिप्रीसिएशन इसको बोलते हैं हम लोग कैश फ्लो और यह अमाउंट वापस से आता है हमारे पास यहां पर और जब यह वापस से आया तो यहां पर यह प्रॉफिट में आया ठीक है तो इसमें दो चीजें थी एक तो डिप्रीसिएशन डिप्रीसिएशन क्या था जितना भी हमारे इंडस्ट्री में डिप्रीसीएबल वैल्यू थी डिप्रीसीएबल इक्विपमेंट थे वो सभी की रिकवरी हमने करना स्टार्ट कर दिया और जो प्रॉफिट आया वहां पर उस नेट प्रॉफिट से जिससे भी हमने लोन लिया था जिससे भी हमने उधारी ली थी जिससे भी हमने पार्टनरशिप की थी जहां से भी पैसा अरेंज किया था उन सभी को रिटर्न करना हमने स्टार्ट किया धीरे धीरे करके तो ये सोर्स बन जाता है हमारा सिंक और हम बोलते हैं कैपिटल सोर्स एंड सिंक 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 नीचे एक लाइन लिखी थी छोटी सी ये तो ये ये तो बन गया sink. पहले लिया कुछ टाइम के बाद सबको रिटर्न किया ये हमारा आ, क्या बन जाता है सिंक और ये पूरा प्रोसेस होता है यहां पर मैंने जितनी ये पॉइंट लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप ये पॉइंट को नहीं समझ पाए आप डिजाइनिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और यहीं से हमारा सब स्टार्ट होता है जो ये प्रॉफिट प्रॉफिट बात कर रहे हो यहीं से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट होती है जो आप ये डीआई की बात कर रहे हो यहीं से हमारा डिप्रीसी कंसीडर किया जाता है और जो भी हमारा ये पैसा आ रहा है अब यहां पर हम अगर उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे तो यहां से हमारा इंटरेस्ट स्टार्ट होता है दैट मीन्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिप्रीसी प्रॉफिटेबिलिटी अब ये प्लांट हमारा रन होने लगा अब हम कहां पर पैसा कम कर सकते हैं कहां कहां अब फालतू नहीं लुटा, लुटाना है है ना कहां कहां पैसा कम से कर सकते हैं अच्छा हमने सिक्योरिटी गार्ड दस रख रख रहे हैं इसकी तो नीड ही नहीं है हर जगह कैमरे लगवा दो सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ पांच कर दो ठीक है तो अब क्या करते हैं अच्छा ये पाइप में हमने अगर आ, हमारा कुछ हीट लॉस हो रहा है तो चलो इसका इंसुलेशन करवा दो हीट लॉस बचाओ हमारा उससे इकोनॉमी बढ़ जाएगी है ना स्टीम हमारा कम यूज होगा या कम पावर के स्टीम भी वर्क करेगा तो इस तरह से हम वहां पर क्या करते हैं, कर देते हैं। और इसको हमें मिनिमाइज करना है ताकि हमारा यहां कम से कम पैसा इन्वेस्टमेंट हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए हमारा मेन एम होता है इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना जो ये प्रोडक्ट बन रहा होगा प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना हमारा मेन एम फिर ये हो जाता है तो यहां से आता है ऑप्टिमाइजेशन अब आपको बात समझ में आ जाए ये सारी चीजें क्यों पढ़ते हैं ये पूरा है डिजाइनिंग फिर डिजाइनिंग फिर के बाद हमें जो पैसा लेते हैं किसी से लिया होगा उसने इंटरेस्ट लिया होगा किसी को कुछ टाइम के बाद लौटाएंगे जितना लिया होगा उससे ज्यादा देंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हमारा डिप्रिसिएशन होगा उस डिप्रीसी को हम कहीं पर आ, इन्वेस्ट कर देंगे या फिर बैंक में जमा कर देंगे वहां से हम इंटरेस्ट लेंगे तो ये हो गया हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो depreciation निकाला ये ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी और इस प्लांट को मिनिमम कॉस्ट रन कराने का ट्राई कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइजेशन इसलिए हम ये सारे पॉइंट पढ़ते हैं चलो वन बाय वन सारी चीजें स्टार्ट करते हैं तो इसको स्टार्ट करने से पहले सर जो ये रिटर्न आ रहा है ये कैसे कैसे वर्क करेगा अब इसकी बात कर लेते हैं तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉमोलेटिव कैश पोजिशन और देन इसके बाद में आप लोगों का स्टार्ट करूंगा क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी और ये सब पूरा आज कंप्लीट करेंगे ठीक है सुनिएगा चलो तो एक बार अब मैं यार सबके कमेंट देख लू एक बार सबके कमेंट देख लो फिर आगे कंटिन्यू करता हूं एक बार आप ये वाला पूरा देख लो एक बार आपका जो ये पूरा बना हुआ है एक बार देख लीजिए अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो आप अपने नेट से इसके यूट्यूब की क्वालिटी बढ़ा दीजिए ये सेशन मैं अल्ट्रा एच में ले रहा हूं इस समय मेरे सिस्टम की जो स्पीड है वो 340 सौ चालीस की है अल्ट्रा एच में ये सेशन चल रहा है आपको एक एक छोटी छोटी लाइन भी दिखेगी अगर आप अल्ट्रा एच डी सेलेक्ट कर लोगे अब अल्ट्रा एच डी शायद प्रीमियम में होगा है ना आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं हो तो 720 ट्वेंटी पिक्सल भी कर दोगे तब भी आपको समझ में आएगा आप तब तक देखिए तब तक मैं एक एक बच्चे के कमेंट पढ़ के आप लोगों को आंसर कर दू फिर आगे कॉन्टिन्यू करते हैं ठीक है थीके? चलो बहुत आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बहुत अच्छे थैंक यू थैंक यू दरोगा जी वाह सर गजब थर्मो इस्ट्रॉन्ग करा दीजिए सर अरे रुक जाओ गौरव इस बार आप थर्मो की दुहाई दोगे यार वन ऑफ द बेस्ट थैंक यू सौरभ मेरी आंखें खोलने के लिए सर यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑफ <laughs> यू सर आर आई बी सी आर री अवेलेबल ऑन यू आर आई आर आई बी सी आर इज ओनली फॉर प्लस स्टूडेंट बेटा अगर आपका कोई प्लस का फ्रेंड है आप उससे एक बार डिस्कस करके उसके साथ मूव कर सकते हो ठीक है लेट्स बिगेन बिगे सौरभ ठीक है सर सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को केमिकल के बंदे ओवरकम कर सकते हैं क्या कंपेर टू सैलरी केमिकल के बंदे बेटा तब ओवरकम कर सकते हैं जब केमिकल में उनका वो डिजाइनिंग में हो या फिर अच्छी खासी जॉब की हो लेकिन बहुत टफ है यहाँ पर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट होगा तो इन आई टी सी एस वालों का पहली ही बार में फोर्टी लैख फिफ्टी लैख का पैकेज मिलेगा बट केमिकल वालों को इतना नहीं मिलता ये ट्रू है लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ उनका पैकेज बहुत अच्छा हो जाता है ये भी ट्रू है लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि एक्सपीरियंस के दम से आपको स्टार्टिंग के फाइव ईयर में भी वन सी का पैकेज मिल जाएगा तो ये झूठ है नहीं मिलेगा ठीक है चलो तो पंकज ठीक है आपका डाउट क्लियर हो गया क्या हुआ अंजलि आपका कोई कमेंट रह गया क्या चलो केमकल में कोई था भी नहीं आप और आपके टीम ने यस केमकल में बेटा हम ही ने सब कुछ प्रोवाइड किया है बस आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा अमन बेटा आर प्लस में है आपका कोई प्लस का फ्रेंड हो उसके साथ मूव कर सकते हो या कल के दिन स्कॉलरशिप टेस्ट होना है अगर आप वो स्कॉलरशिप टेस्ट देख के टॉप टेन रैंक ले आते हो तो आपको वहाँ से टू मंथ का फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन है ना मैं सेशन के एंड में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा तो आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा दो महीने का कोर्स अब आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा मंडे से है ना तो उसमें आप लोगों को स्कॉलरशिप uh, मिल जाएगी अगर आप कल वाला ए देते हो जो कि टू थर्टी से फाइव थर्टी होगा और उसका मैं आपको uh, वो भी दे दूंगा अभी रजिस्टर करने के लिए कि कैसे रजिस्टर करना है ठीक है सर मैंने स्लीपर्स sleepers... हाँ ठीक है ठीक है ठीक है डब्बे में चलो 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 ये सब उस टाइम पर डिस्कसन हो रहा था ठीक है सर अब रोज इतने ही आएंगे गेट पास आ गया देखते हैं अब सिक? अभी अभी देख लो आज ही के दिन कितने थे और कितने बचे लव यू सर जी सर लाइक डन थैंक यू अभिषेक चलो सर जस्ट लव्ड यूर सी आरी ए टू जेड पी वाई क्यू सीरीज थैंक यू दीक्षा थैंक यू बेटा सर डिस्काउंटेड सैलविज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं रुक जाओ थोड़ा सा वेट करो अमनदीप ठीक है इसका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेज दो तो मैं सॉल्व करा दूंगा ठीक है वो ज़्यादा बेटर रहेगा चलो सर जी मैंने सिर्फ आपका रिवीजन सेशन किया और मैं कॉन्फिडेंट हूं वेरी गुड वेरी गुड बेटा सर ई चलो होप सो आपके सबको वैलिड डाउट हो गए ठीक है थैंक यू बेटा थैंक यू मिस्टर मोमेंट सर लव यू फ्रॉम पाकिस्तान खालिद जावेद थैंक यू बेटा लव यू बेस्ट चैनल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे आगे कंटिन्यू करते हैं चलो अभी किसी का मतलब ऐसा डाउट नहीं रह गया होगा जो आपने पूछा हो है ना फिर आप लोगों के जो बीच बीच में मैं डिस्कस कर रहा था वो थे तो वो आपके रिप्लाई थे डाउट नहीं थे तो जितने भी डाउट थे वो मैंने आपको आंसर कर दिए अब आगे बात करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए रिटर्न ऑपरेशनल कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस अर्निंग या पीबीटी पीबीडी डिप्रीशियेशन पीबीटी टैक्सेबल अमाउंट बोलते हैं इसी को टैक्सेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं इसके बाद फिर टैक्स पे कर देते हैं उसके बाद जो आता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं ठीक है और नेट प्रॉफिट में डिप्रीशियशन ऐड कर देते हैं तो उसको कैश फ्लो बोलते हैं यह सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी ठीक है कोई डाउट नहीं अब हम आ जाते हैं यहां पर जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है यह दो तरह का होता है जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है ये दो तरह का होता है एक होता है हमारा फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एक होता है हमारा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट दूसरा हमारा आता है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट होता है वैसे तो हम टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जो कि यहां पर हिडन रहता है पहला एक होता है हमारा बल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक होता है नॉन डिप्रीशियबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉन डिप्रीचिएबल होता है जैसे लैंड आपने परचेज की वो आपकी नॉन डिप्रीशियबल थी कोई आपने इक्विपमेंट ऐसा परचेज किया जिसकी टाइम के साथ साथ वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज नहीं होगी वो किसी ऐसे मेटेरियल का बना है जिसमें इंफ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू लाइफ टाइम इंक्रीज होगी तो वह हमारा वो हमारा नॉन डिप्रीशियबल का पार्ट होता है हालांकि ऐसा कंसीडर नहीं करते लैंड के अलावा तो लैंड हमारा नॉन डिप्रीशियबल इसलिए उसको हम साइड कर देते हैं और जो फिक्स कैपिटल की बात करते हैं ये मोस्टली टाइम टाइम्स कैपिटल हमारा डिप्रीशियबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट और जो नॉन डिप्रीशियबल होता है उसको हम लोग हिडन कर देते हैं उसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो हमेशा हमारे पास प्रेजेंट होता है फिर इसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होता है एक हमारा आ जाता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट ठीक है फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें होंगी इनडायरेक्ट कॉस्ट में बहुत होगा वर्किंग कैपिटल में बहुत होगा तो अभी मैं इतना डीप में नहीं जा रहा कि क्या क्या होता है अगर आपको करना है तो ये पूरी ये तो मैंने टेबल अलग से कहीं से दी है एक और टेबल आपको प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स की बुक है पीटर एंड टीमर हाउस उसमें आपको मिल जाएगा और उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि वर्किंग कैपिटल में क्या होगा डिप्रिसियबल में क्या होगा और नॉन डिप्रिसबल में क्या होगा तो आप वहां से देख लीजिएगा मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूं इसलिए इसके डिटेल में नहीं जा रहा यह टेबल का स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो क्योंकि ये वो टेबल है जो कि रेयरली ही मिलती है और यहां पर मैंने वो सारे परसेंटेज दी है कि डायरेक्ट कॉस्ट कितना होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना होता है इंजीनियरिंग कॉस्ट कितना होता है कंटीजेंसी कितना होता है यहां पर हमारा एसेट कॉस्ट कितना है सिविल वर्क कितना है प्लांट यूटिलाइज कितना परसेंट का है लैंड कितना परसेंट है और ये सारे परसेंट मैंने दिए हैं अगर किसी के पास नहीं है तो आप स्क्रीन ले सकते हैं बाकी जिनके पास है तो अच्छी बात है क्योंकि इसको मैंने आप लोगों को शेयर किया था उन स्टूडेंट्स को जो प्लस के स्टूडेंट है उनके ग्रुप में और जो यूट्यूब पढ़ा रहा था यूट्यूब के स्टूडेंट को उनके ग्रुप में ठीक है तो आप लोग स्क्रीन ले सकते हैं जिनके पास नहीं है और होप तो इतनी देर में आपने स्क्रीन ले लिया होगा आगे मूव करते हैं अब हम यहां से आ जाते हैं बेटा कॉमलेटिव कैश पोजिशन में क्या होता है ये कैश समझिएगा ये कॉमलेटिव कैश पोजिशन बेटा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके टोटल प्लांट की कॉस्ट या इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं कॉमलेटिव कॉस्ट पोजिशन ठीक है द एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल इकोनॉमी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्लांट एट एनी टाइम एट एनी टाइम वो आपको कॉमलेटिव कैश पोजिशन कर्व से मिल जाती है हमारे प्लांट में दो तरह की सीट होती है एक स्टेटमेंट सीट एक बैलेंस सीट तो स्टेटमेंट सीट में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है थीके? जो कि हम लोग कॉमलेटिव कैश पोजिशन में पढ़ते हैं क्या होता है कैश इसको एक बार पूरा समझ लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं ठीक है समझिएगा तो जैसे ही हम इसको आगे कंटिन्यू करें तो यहां से बेटा मैं आपको जस्ट एक इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए आपको समझा देता हूं ये हमारा वाई एक्सेस रेड लाइन से कर रहा हूं तो आपको मे भी दिख भी रहा होगा और ये हमारा एक्स एक्सिस ठीक है एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस में हम लोग लेते हैं टाइम एक्स एक्सिस में हम लोग लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस वाई एक्सिस में हम लोग लेते हैं कैपिटल 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 मतलब इन्वेस्टमेंट या मनी मनी अमाउंट कैश क्या कैश या मनी या कैपिटल ठीक है चलो अब एक बात बताना बेटा आप लोगों ने हमेशा से एक चीज पढ़ी है क्या वाई एक्सिस के लिए एक्स इक्वल टू जीरो होता है एक्स एक्सिस के लिए वाई इक्वल टू जीरो होता है तो एक्स एक्सिस के लिए वाई इक्वल टू एक्सिस के लिए वाई क्या कैपिटल कैश मनी तो ये क्या कहलाता है जीरो कैश लाइन ये क्या कहलाता है जीरो कैश लाइन और वाई एक्सिस के लिए एक्स जीरो एकस क्या था टाइम ये क्या कहलाता है जीरो समझिए रटना कुछ नहीं है इस पूरे डायग्राम में आपको एक सिंगल चीज भी रटनी नहीं है हर एक चीज में समझाते हुए चलूंगा लेकिन स्ट्रेंथ यार फिर ऐसा करोगे ना तो जहां मूड खराब होगा मैं वहीं बंद कर दूंगा ठीक है मैंने बोला था मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रेजेंस में पूरी होगी लेकिन अगर आपकी प्रेजेंस कम हुई तो फिर मैं उठा के बंद कर दूंगा ठीक है अब आप ये सोचते हो यार कितने आप लोग दिमाग लगाते हो सर जब आप मेन टॉपिक पढ़ाएंगे तब हम आ जाएंगे मैं क्या करूं ये सब छोड़ दूं मैं सीधे डिप्रिसिएशन पढ़ा दूं बोलो ना या सीधे प्रॉब्लिटी पढ़ा दूं या फिर ना पढ़ा दूं सर हम खुद कर लेंगे तो आप बता दो यार मुझे मैं अपना भी टाइम लॉस कर रहा हूं आज सच बता रहा हूं मेरा क्लास लेने का मन नहीं था है ना प्लस की क्लास मेरी एंड हुई उसके बाद फिर डिनर इनर किया हमने कि रात में एक बजे तक क्लास चलेगी और शायद उससे भी ज़्यादा थोड़ा बहुत डेढ़ बज जाए तो मैंने डिनर पहले कर लिया उसके बाद में एक लोगों से मेरी बात होने लगी आ, कुछ इस समय हमारा एक कुछ चल रहा है मतलब कुछ आ, समझ जाओ आप लोग है ना तो एक एडवोकेट साहब से मेरी बात होने लगी और उनको सारी चीज़ें बताते बताते ना कुछ चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जहाँ पर मैं इमोशनल हो जाता हूँ तो उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते करते एकदम से मन खराब हो गया मेरा मेरा सेशन लेने का मन नहीं था नौ बज के तिरपन मिनट पे मेरी बात उनसे ओवर हुई मैं बैठ के पांच मिनट रेस्ट करता रहा स्टार्ट करूं ना करूं करूं ना करूं फिर मैंने कहा नहीं nah, यार कर देता हूं बिल्कुल मन नहीं था स्टार्ट करने का फिर मैं कहा नहीं nah, यार स्टार्ट करूंगा फिर उसके बाद मैंने सिस्टम स्टार्ट किया ये सब स्टार्ट किया सारे सेटअप स्टार्ट किया फिर उसको स्टार्ट करके फिर आ, मैंने लॉग वगैरह किया है ना फिर मैंने स्टार्ट किया कि लाइव आया मन नहीं था लेने का बिल्कुल भी है कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लोगों से ओपनली शेयर नहीं कर सकता लेकिन यार मैं ये सोचा कि इतने दिन से बच्चे इंतजार कर रहे हैं मैं पिछले दस पंद्रह दिन से बोल रहा हूं दो महीने पहले बता दिया था कि मैं दिसंबर के सेकंड वीक में आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा है ना थर्ड वीक में या थर्ड वीक के एंड में फोर्थ वीक में या फिर मैं आपका गेट एक्सपेक्टेड सीरीज स्टार्ट करूंगा पीसी का क्रैश कोर्स दिसंबर के फर्स्ट दिसंबर से स्टार्ट करूंगा मैं आपको सब कुछ प्रॉमिस किया तो मुझे यह था कि यार स्टार्ट करते करता हूं मैं आज हमें रिप्लाई करने का लास्ट डेट था हमें रिप्लाई करना था ठीक है कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशन होते हैं एक टाइम दिया जाता है इतने दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना है नहीं तो आपके ऊपर ऐसा ऐसा ये केस हो जाएगा तो इसलिए रिप्लाई करना था तो मैं उनके साथ में बिजी था मैंने उनको बोला सर इतना मैंने आपको बता दिया अब आपको जो समझ में आए आप वो रिप्लाई कर दीजिए मेरी तरफ से और मेरी आपके हर रिप्लाई पर मेरी हाँ है और मैं आके सेशन ले रहा हूं अब आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों के लिए हम लोग इतना करते हैं और जो ये सारी चीजें मैं फेस कर रहा हूं ना वो भी स्टूडेंट्स के लिए ही था बहुत सारी चीजें आज नहीं कल एक न एक दिन मैं सबको बताऊंगा और उस दिन आप सबका मुझे कंप्लीटली सपोर्ट चाहिए होगा बताऊंगा सारी चीजें बताऊंगा ओपनली बताऊंगा ओपन प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा या किसी मीडिया पे बताऊंगा या फिर यूट्यूब पे अपने चैनल पे बताऊंगा बट बताऊंगा छुपा के कुछ नहीं रखूंगा लेकिन एक बार पहले फाइनल फैसला हो जाए फिर बताऊंगा क्या था ठीक है तो तब सपोर्ट चाहिए होगा और आप लोगों के लिए इतना करते हैं हम लोग इतना करते हैं और आप लोग सिर्फ इतना सोच जाते हो सर ठीक है आए देखा दस मिनट रुके चले गए दस मिनट से आपका भला हो जाएगा जितना मैंने पढ़ाया जरूरी है इसी से क्वेश्चन आ जाएगा नहीं ना तो कम से कम यार इतना तो बना के रखो अपनी ईमानदारी तो रखो कम से कम पढ़ने आए हो तो पढ़ लो आपके लिए डेली दो लाइनें लेके आता हूं कि आप लोग मोटिवेट रहो आप लोगों के लिए डेली इतना सारा सोचते हैं इतना सारा करते हैं गेट एक्सपेक्टेड सीरीज मुझे कब से पच्चीस से स्टार्ट करना है आज बेटा तीसरे गेट एक्सपेक्टेड सीरीज के तीसरे सेशन के क्वेश्चन मेरे रेडी हो गए इतने पहले से हम लोग प्लान करते हैं आपको क्या लगता है सब बहुत आसान होता है जिस दिन दस क्वेश्चन न्यू बनाने के लिए बैठना ना डिजाइन करने के लिए और डिजाइन करने के बाद फिर उठा के देखेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है और उसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा लास्ट टू तो लास्ट ईयर एक बंदा था उसकी गेट में टॉप हंड्रेड रैंक थी शायद थर्टी सिक्स या थर्टी एट कुछ रैंक थी उसने बोला सर टेस्ट सीरीज बनाना बहुत आसान है मैं भाई इस बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर तुम मुझे फाइव फुल लेंथ टेस्ट बना के दोगे और हर टेस्ट का मैं तुम्हें इतना रुपए पे करूंगा एक अमाउंट होता है मैंने बोला मैं पे करूंगा पहला टेस्ट पैसठ क्वेश्चन बनाने में उसकी हालत खराब हो गई कान पकड़ लिया उसने आके मिला मुझसे बोला सर मेरे से नहीं हो पाएगा आप ही बनाइए ये हालत होती है ठीक है एक टेस्ट नहीं बना पाया और आप लोगों के लिए मैं बोला 200 क्वेश्चन यार बना के मैं आपको कराऊंगा नए क्वेश्चन कराऊंगा आई लेवल के कराऊंगा और आप लोग इतना दिमाग लगाते हो सर छोड़ो आज नहीं करेंगे कल करेंगे रिकॉर्डेड कर लेंगे तो फिर यार क्यों करें हम नहीं करें ना तो आप लोग कम कब समझोगे मेरे समझ में नहीं आता कब समझ में आएगा कब दिमाग खुलेगा एक एक चीजें ये चीजें हम एक एक रटा करते थे मुझे आज भी याद है ये वाला डायग्राम मैंने कम से कम अपनी कॉपी में दस बार बनाया होगा ताकि मुझे ये डायग्राम रट जाए भूल जाता था कभी ये जीरो टाइमलाइन को इधर कर देते थे कहीं उसको इधर कर देते थे ये वाला कहीं इधर कर देते थे ये कह लो कि नहीं थी उस समय बुद्धि बेवकूफ थे हम लोग नहीं समझ में आता था तो इसको रटने के लिए दस बार बनाया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है

है ना मेरे तो नौकर हो आप मैं किसी एक सिंगल बच्चे का क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करूंगा ये याद रख लेना आप लाइव प्रेजेंट रहिए जो पूछना है पूछिए आप ये सोचे कि मैं सर को क्वेश्चन भेज दूंगा आप पेपर तक भेज देते हो मुझे कि सर ये पेपर है इसका सलूशन बता दो कितने मतलब ही हो यार आप लोग आप लोग लाइव नहीं रहोगे आप लोग नहीं पढ़ोगे है ना आपको जितनी नीड होगी उतनी पढ़ लोगे बाकी आपको मतलब नहीं है और मैं सब कुछ करता रहूं सब कुछ करता रहूं यार इतनी गरज नहीं है सच बता रहा हूं जैसे पीसी सीरीज बन की मैं ये भी बंद कर दूंगा गेट एक्सपेक्टेड सीरीज में नहीं आए मैं वो भी बंद कर दूंगा सिर्फ मैं भी प्लस की प्लस में पढ़ाऊंगा बहुत से लोग हैं अदर ब्रांच में ये आप देख लीजिए सिर्फ प्लस में पढ़ाते हैं यूट्यूब में पूरे महीने में दो चार सेशन ले लेते हो तो बड़ी बात है मैं भी वही करूंगा फिर नहीं पढ़ाऊंगा फ्री में है ना आपको अगर फ्री की वैल्यू नहीं समझ में आती तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा बंद कर दूंगा आप पेड में आइए पेड में पढ़िए मैं हर चीज पेड में पढ़ाऊंगा हर चीज मैं प्लस वाले कोर्स में दूंगा बंद कर दूंगा यहां पर उठा के सब और जितना पढ़ाया है वो सब डिलीट कर देंगे या तो प्राइवेट कर देंगे फिर क्या करोगे लोग समझते ही नहीं हो यार पता नहीं कब समझ में आएंगी ये सारी चीजें चलो देखो आपके लिए इतना सेक्रीफाइस करें लेकिन कोई मतलब नहीं है चलो देखो तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए एक्स इक्वल टू जीरो एक्स में हमने टाइम लिया है वाई में कैश लिया है और अगर एक्स के लिए वाई जीरो, तो जीरो हो तो इन्वेस्टमेंट X X तो होगा हो हम ना हमारा, हो हमारा यहां पर कोई भी टाइम होगा लेकिन जब हमारा प्लांट रेडी होता है जिस दिन हमारा प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है जिस दिन हम ट्रायल कर रहे होते हैं वो ट्रायल हमारा जीरो टाइम पे हो रहा होता है जिस दिन हमारा पहला प्रोडक्ट बन के रेडी होता है वो हमारा जीरो टाइम पे होता है जिस दिन हमारा मार्केट में सेल होता है वो जीरो टाइम होता है और सेल होने के बाद जो भी हमें रिटर्न मिलता है वो हमारा फर्स्ट फर्स्ट डे होता है पॉजिटिव में उसके पहले तो हमारा पूरा निगेटिव ही चल रहा था ना अच्छा ये जब हम फोर एक्सिस ये टू एक्सिस में फोर क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये वाला क्वाड्रेंट हमारा कहलाता है प्लस और प्लस प्लस का मतलब हो गया कि यहां पर हमारा टाइम भी पॉजिटिव है और इसका मतलब हो गया कि यहां हमारा कैश भी पॉजिटिव है ठीक है टाइम भी पॉजिटिव कैश भी पॉजिटिव तो यह हमारा फर्स्ट क्वार सेकेंड क्वार में हमारा टाइम निगेटिव होता है ठीक है और जो कैश होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है ठीक थर्ड क्वारंट में हमारा टाइम और कैश दोनों निगेटिव होता है जब हम प्लांट लगाने की सोचेंगे तो प्लांट लगाने में कुछ टाइम लगेगा वो टाइम हमारा निगेटिव होता है क्योंकि जिस दिन प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है जिस दिन ट्रायल चल रहा होता है वो जीरो होता है तो जीरो के पहले जितना भी कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा जो भी हमारी प्लानिंग पीरियड होगा वो पूरा का पूरा निगेटिव होता है प्लांट एक्चुअल में स्टार्ट होता है यहां से देखना एक ये लाइन बनी होगी यहां से और यह हमारा प्लानिंग का पार्ट है फिर यहां हमारा से ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो ये देखो इतना हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड है और यहां पर जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो सबसे पहले ये हमने लैंड परचेज की तो ये हमारा लैंड कॉस्ट आ गया फिर इसके बाद ये हमारा फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, पूरा पूरा है. लैंड हमारा नॉन डिप्रिसबल है और फिर इसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया तो यहां पर हमारा ये वर्किंग कैपिटल आ गया और ये पूरा का पूरा क्या था निगेटिव था ये जितना भी पैसा हमने लगाया

अब जब जैसे ही हम लोग फोर्थ क्वार में आए तो अभी तो हमारा टाइम निगेटिव से पॉजिटिव हो गया लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या एक दिन में पूरा का पूरा रिटर्न आ जाएगा तो धीरे धीरे रिटर्न आना स्टार्ट करेगा तो जो धीरे धीरे, धीरे रिटर्न आना स्टार्ट करेगा उसमें दो चीजें होंगी एक तो होगा बेटा डिप्रीसिएशन और एक होगा हमारा कैश फ्लो मैंने बताया था एक होगा डिप्रिसिएशन एक होगा कैश फ्लो मुझे एक बात बताओ बेटा कैश फ्लो और डिप्रीसिएशन में कौन बड़ा होगा कैश फ्लो डिप्रीसिएशन में कौन बड़ा होगा बेटा डिप्रीसिएशन है डीआई और कैश फ्लो है प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्लस डीआई तो सिंपल सी बात है क्या कि ये ग्रेटर होगा सिंपल सी बात है क्या कि ये ग्रेटर होगा और अगर ये ग्रेटर होगा तो इसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा तो ये वाली जो एक लाइन बनी है डॉटेड वाली ये वाली ये डिप्रीसिएशन के स्लोप को रिप्रेजेंट करती है और जो ये वाली लाइन बनी हुई है यह वाली लाइन बेटा कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करती है और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास रिटर्न आता जाएगा तो जो रिटर्न आएगा यह डी आई डी आई बेटा रिकवरी होगी उसकी जो हमने वन टाइम में इन्वेस्टमेंट किया था जो डिप्रिसबल है उसकी रिकवरी यह डीआई होगा और जो ये नेट प्रॉफिट है यह हमारा वहां पर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा जो हमारे पास आ रहा होगा इसलिए इसका स्लोप इसके स्लोप से ज्यादा होगा ये का स्लोप होगा और ये हमारा नेट प्रॉफिट का स्लोप होगा बात समझ में आ गई और जो ये नेट प्रॉफिट का स्लोप होगा तो जब हमारे पास डिप्रीसिएशन भी आ रहा है नेट प्रॉफिट भी आ रहा है और एक जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल है वो हमेशा हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे पास आ ही रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ टाइम के बाद जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो पूरा का पूरा हमें रिटर्न मिल जाएगा आप सोचिए अगर इसका स्लोप ऐसा होता कि यहां से स्टार्ट हुआ होता और ये इस टेन ईयर के सर्विस लाइफ में जाके इसको टच करता तो हम क्या बोलते यार कोई फायदा नहीं हुआ दस साल तक वो और दो से तीन साल ये हम लोगों ने बारह से तेरह साल अपने इन्वेस्ट कर दिए फायदा कुछ नहीं हुआ और फायदा होगा तो ये स्लोप ये स्लोप बेटा जितना ऊपर जाएगा उतना फायदा होगा और जितना ऊपर जाएगा उतनी जल्दी हमारा जितना ये इन्वेस्टमेंट था उतना कवर कर लेगा इन्वेस्टमेंट कितना था इतना और ये जिस पॉइंट पे इतना कवर कर लेगा उसी पॉइंट पे ये ये वाली कैश फ्लो की लाइन उस टाइम लाइन को टच कर जाएगी कट कर जाएगी और जैसे ही ये टाइम लाइन कट होगी वैसे ही वो पॉइंट जिस पॉइंट पे कट करेगी वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो वो टाइम हमारा वो टाइम होगा जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो हमें रिटर्न मिल गया होगा इसका मतलब वो हमारा पे आउट पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा समझिएगा तो ये वाला जो पॉइंट लिखा है ये, ये हमारा क्या कहलाता है पे आउट या पे बैक पीरियड पे आउट या पे बैक पीरियड और इसके बाद फिर इसके बाद ये फाइव ईयर सिक्स ईयर फोर ईयर थ्री जितना कम होगा उतना हमारे लिए ये वाली वैल्यू और हाई होगी और ये जितनी हाई होगी उतना हमारा ये किसको बताएगा नेट प्रॉफिट को अब ये ईयर इसकी सर्विस लाइफ थी टेन ईयर के बाद हमने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया जो लास्ट टाइम का प्रोडक्ट बना होगा उसको मार्केट में सेल किया और मार्केट में सेल करने से जैसे ही वो रिटर्न आया अब हमें ऑपरेशनल कॉस्ट तो इन्वेस्ट नहीं करना उससे जो भी पैसा आएगा सिर्फ और सिर्फ सैलरी जो लोगों की बाकी होगी वो दे देंगे बाकी पूरा का पूरा हमारे पास स्टोर हो गया तो ऑपरेशनल कॉस्ट की रिकवरी वर्किंग कॉस्ट की रिकवरी एट द एंड ऑफ सर्विस लाइफ होगी तो देखो ये लिखा होगा वर्किंग कैपिटल फिर अब जब हमें आगे प्रोडक्शन नहीं करना तो जो भी हमारे पास इक्विपमेंट होंगे वो इक्विपमेंट हम मार्केट में सेल कर देंगे यूज्ड इक्विपमेंट को अगर वो हमारा वर्किंग कंडीशन में है और मार्केट में सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं सैलवेज वैल्यू अगर वो वर्किंग में नहीं है तो उसको बोलते हैं जंक वैल्यू तो वो सेलवेज वैल्यू हमें मिल जाएगी तो ये सेल्वेज वैल्यू और जो लैंड थी उस लैंड को भी हमने सेल कर दिया तो ये लैंड कॉस्ट ये देखो पूरा लिखा था लैंड सेल्वेज वर्किंग रिकवरी ये लास्ट में सर्विस लाइफ कंप्लीट होने के बाद इसकी रिकवरी हो जाएगी और जितना अमाउंट ये रिकवरी करेगा वो इतना बता देगा तो हमें क्या मिल जाएगा कि जितना हमने यहां पर इन सब में इन्वेस्ट किया था क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो सबसे बाद में मिलावरी तो मिल से निकाल लिया वर्किंग कैपिटल तो मतलब जो भी हमने इन्वेस्ट किया था वो हमारा रिटर्न आ गया है और बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो पूरा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना होगा वो प्रॉफिट जितना अमाउंट ये आपका होगा लैंड सैलवेज और वर्किंग कैपिटल ये हम लोग पूरा यहां इंक्लूड कर देंगे देखो वही लिखा हुआ है लैंड सर्वेज एंड वर्किंग कैपिटल रिकवरी तो ये जो टोटल टाइम अमाउंट आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा नेट प्रॉफिट ओवर दी टोटल लाइफ ऑफ पीरियड उसके उसके सर्विस लाइफ के कंप्लीट होने के बाद जो भी मिला और ये सर्विस लाइफ थी ये देखो लिखा है एंड ऑफ प्रोजेक्ट शट डाउन है ना प्रोजेक्ट लाइफ ये हो गया अब यहां पर इतनी सारी चीजें मिल गई तो जो ये लाइन है ये लाइन क्या है लाइन है कॉमुलेटिव कैश पोजिशन कॉमुलेटिव कैश पोजिशन क्या होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेज वो यही लिखा है क्या नेट प्रॉफिट फिर फिर प्लस प्लस डेप्रिसिएशन ये यही लिखा है क्या डेप्रिसिएशन और माइनस टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो हम यहां पर इसकी रिकवरी कर रहे हैं तो मतलब इसके बाद जो होगा ये हमारा किसको बताएगा ये हमारा नेट प्रॉफिट को बताएगा इसके पहले जो होगा ये हमारा उसके इन्वेस्टमेंट uh, को रिप्रेजेंट करेगा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इतना इन्वेस्टमेंट तो इतनी रिकवरी और उसके बाद फिर टर्म हो गए और ये टाइम के बीच में ग्राफ है अब ये बचा ये मैंने बता दिया क्या एनुअल डिप्रिसन की लाइन है और इसका जो स्लोप होगा ये स्लोप किसको बताएगा उसके डिप्रिसन रेट को कि कितना डिप्रिसिएशन रेट होगा यह वाला क्या है यह बेटा आपका एनुअल प्रॉफिट के रेट को बताता है स्लोप हमेशा रेट को रिप्रेजेंट करता है डीवाई बाई डी एक्स को यह कैश फ्लो का अगर हम लोग आ, रेट निकालेंगे तो वो नेट कैश वो नेट प्रॉफिट के रेट को बताएगा और ये कितना होगा ये उसी को बता रहा है ये पूरा हर मैंने आपको बता दिया जहां पर जो भी लिखा था एक भी पॉइंट आपको रटने की नीड नहीं है ठीक है हर एक पॉइंट को आपको समझ के चलने की नीड है यह था हमारा चलिए सब क्लियर एक बार देख लीजिए किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए और नहीं तो फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें किसी को कोई भी डाउट है पूछ लीजिए और ये पूरी चीजें नेट प्रॉफिट डिप्रिसिएशन कैश फ्लो बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स ये सारी चीजें ना आपको बेटा वो सारी चीजें बताता है वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है जहां से आपको एक एक चीज आपको निवेरकल में यूज करनी है आपको वो चीजें पढ़नी है ठीक है निवेरकल वहीं से सॉल्व होते हैं चलिए होप सो कि आपने कर लिया होगा आगे मूव करें बेटा यस क्लियर व्हाट आर ग्रेट फीलिंग सर थैंक यू एस्पिरेंट मिनट भाई चले आगे कंटिन्यू करें ठीक 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 समझिएगा अब आ जाते हैं हम लोग ये कॉमलेटिव कैश पोजिशन पूरा हो गया नेट कैश फ्लो हो गया अब यहां से हमें टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करनी है दो तरह के मैथड होते हैं हमारे पास एक होता है कॉस्ट इंडेक्स मेथड दूसरा होता है हमारा स्केलिंग मेथड कॉस्ट इंडेक्स मेथड और स्केलिंग मेथड में दो चीजों का डिफरेंस है ना अगर हम लोग कॉस्ट इंडेक्स इंडेक्स मेथड की बात करेंगे तो वहां पर हमें टाइम के रिस्पेक्ट में बात करनी होगी कैपेसिटी को कांस्टेंट रखना होगा और अगर हम स्केलिंग मेथड की बात करेंगे तो कैपेसिटी को चेंज करेंगे टाइम को कांस्टेंट रखेंगे कुछ हमारे पास बेटा कॉस्ट इंडेक्सेज है और वो कॉस्ट इंडेक्सेज मार्केट के इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चेंजेज इकोनॉमी जी है ना ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए ये बताते हैं कि जैसे आप किसी से पूछो भैया यार आपने मकान तो बड़ा अच्छा बनवाया है कितना कॉस्ट लगा था वो बोले भैया जब मैंने बनवाया था तब इसको बनवाने में लगभग लगभग यार दो तो करोड़ रुपए लगे थे भैया अगर मैं बनवाऊं तो यार अब तो थोड़ी महंगाई हो गई है आपका ढाई करोड़ लग जाएगा ये वो भाई साहब ना अपने आप कॉस्ट इंडेक्स से कैलकुलेशन करके ये वाला मेथड लगा के कॉस्ट इंडेक्स मेथड लगा के आपको आंसर बता दिए अब आप करवाओगे ना तो ढाई लाख ढाई करोड़ रुपए लग जाएगा तो बस इतना ही इतना ही होता है बेटा ये कॉस्ट इंडेक्स अब जब वो भाई साहब जिन्होंने आज तक केमिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी वो भाई साहब जिन्होंने कभी कॉस्ट इंडेक्स का नाम नहीं सुना उनको नाम बता दो ये नेल्सन एंड फेरार कॉस्ट इंडेक्स वो बोलेंगे ये क्या है है ना अगर उनको कभी बता दो कोई कॉस्ट इंडेक्स का नाम बता दो तो वो यही पूछेंगे यार ये क्या है

ईयर के अंतराल में अपनी कॉस्ट इंडेक्सेस पब्लिश करते हैं जैसे हमारे यहाँ न्यूज पेपर आता है ऐसे बेटा केमिकल इंजीनियरिंग जनरल्स होते हैं उन केमिकल इंजीनियरिंग जनरल्स में हमारी ये कॉस्ट इंडेक्सेस पब्लिश होती हैं जब मैं रोडकी में था अपने एमटेक के टाइम पे तो हमारे लाइब्रेरी में वो केमिकल इंजीनियरिंग जनरल्स आते थे तो वहां पर मैंने कई बार वो पब्लिश होते हुए देखा है कि अच्छा ये वाली कॉस्ट इंडेक्स पब्लिश हुई है ये लेटेस्ट कॉस्ट इंडेक्स है तो हमेशा हम लोग लेटेस्ट कॉस्ट इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं ये कॉस्ट इंडेक्सेस क्या होती हैं? ये एक आइडिया होता है मार्केट के बेसिस पे कि अब आपके उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या होगी और ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स नहीं आती कई सारी इंडेक्सेज हैं जिनमें से कुछ इक्विपमेंट की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं जिनमें से कुछ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं जिनमें से कुछ आपकी सैलरीज वगैरह में कितना इन्फ्लेशन आया होगा उसको रिप्रेजेंट करती है हर एक चीज की कॉस्ट इंडेक्स आती है जब आप अपना प्रो, आ, प्रोजेक्ट बनाते हैं लगाते हैं और आप किसी से कैलकुलेट कराए कोई एक इंजीनियर को बुला के तो वो आपको डिजाइनिंग इंजीनियर होता है वो कैलकुलेट करके यही बताता है कि भैया तब अगर आप इस कैपेसिटी का प्लांट लगाएंगे आज से 10 साल पहले इतने का लगा था आज आपका इतना कॉस्ट आ जाएगा जैसे हम अपना घर बनवाते हैं तो एक कारीगर को बुलाते हैं और कारीगर को बोलते हैं भैया हमें ऐसा ऐसा बनवाना है बताओ कितना रुपया लगेगा तो आपका एक ठेका लेते हैं और बोलते हैं भैया आप ना मुझे बस चार लाख रुपए दो मैं आपको इतना इतना ये चीजें बना के तैयार कर दूंगा और वो पूरा लिख के देते हैं कि यही चीजें बनाऊंगा मैं बस वही चीज हमारा यहाँ पर हम केमिकल इंजीनियर्स होते हैं डिजाइनिंग इंजीनियर जो कि हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किसी को पर्टिकुलर इस कैपेसिटी का प्लांट लगवाना होगा तो उसको कितना कॉस्ट पे करना होगा और उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं ये स्केलिंग मेथड और ये कॉस्ट इंडेक्स मेथड ठीक है ये समझते जाएगा तो जब हम लोग बात करते हैं पहला मेथड ऑन बेसिस ऑफ टाइम तो जब हम ये बात करते हैं कि भैया जो आज से दस साल पहले वो वाला प्लांट देख रहे हो वो जितने का लगा था सेम कैपेसिटी का सेम सब कुछ आप आज कितने में लगा के दोगे अरे भैया हम पहले तो एक बार बेसिक कैलकुलेशन करेंगे ना हम रफली आइडिया लेंगे क्योंकि हम उस वाले से पहले पूछ के बैठे अब मैं ही बता दूं हम लोग एक डेयरी का प्लान कर रहे थे डेरी मतलब एक हम लोग मिल का इंडस्ट्री लगाने का प्लान कर रहे थे दूध दही मट्ठा मक्खन और घी है ना खोया ये सब एक प्लान कर रहे थे मैं और त्यागी सर और सुमित सर तीन लोग मिलके तो स्टार्टिंग में मैं और त्यागी सर एक अमूल के प्लांट में गए और दो तीन प्लांट हम लोगों ने विजिट किया तो वहाँ पर वहाँ से उनके रेट लेकर आए और एक डिजाइनिंग इंडस्ट्री से कॉन्टेक्ट किया और उसको विजिट के लिए बुलाया और उससे पहले यही कैलकुलेशन करवाई कि भैया अब बताओ ये इतने कैपेसिटी का प्लांट लगाना है कितने में लगेगा तो उसने कैलकुलेशन करके बताया अब मैं वो सारी चीजें ओपन नहीं कर रहा तो उसने कैलकुलेशन करके बताया कि इतने इतने में लगेगा तो ये मतलब अच्छा इतना तब से आपका इन्फ्लेशन चल रहा होगा तो एक हमें आइडिया मिल गया हालांकि फिर वो हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया उसकी जगह दूसरा कुछ स्टार्ट किया था तो वो हमें एक बेसिक आइडिया देता है तो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम तो ये जितने भी हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन है वो कॉस्ट एस्टिमेशन किसी भी प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें टोटल कितने कैपिटल की नीड है कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो कैलकुलेशन हम लोग इन मेथड से करते हैं एक है हमारा कॉस्ट इंडेक्स दूसरा है स्केलिंग मेथड चलिए मैं पहले की बात करता हूं कॉस्ट इंडेक्स मेथड कॉस्ट इंडेक्स मेथड में हमारी कुछ इंडेक्स वैल्यू होती है जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मान लू इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ऑफ इक्विपमेंट इक्वल टू मान लीजिए एक्स वन ठीक है इन इन मान लीजिए टू थाउजेंड फिफ्टीन ठीक है फिर इसी तरह मैं बात करूं इंडेक्स वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इक्वल टू एक्स टू इन टू थाउजेंड नाइनटीन या अभी मान लो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अरे यार सेट मैं अब शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कॉस्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इक्वल टू एक्स वन इन 2015 ठीक है टू थाउजेंड फिफ्टीन ठीक है ट्वेंटी टू इन 2022 ठीक है हमने ये मान लिया तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कैपेसिटी को कांस्टेंट लिया सेम कैपेसिटी की बात हो रही है यहां पर हमारा सेम कैपेसिटी कैपेसिटी इक्विपमेंट की बात हो रही है तो वहां पर अब जो हमारा लेटेस्ट प्रेजेंट कॉस्ट आएगा प्रेजेंट कॉस्ट इक्वल टू प्रेजेंट कॉस्ट इक्वल टू जो हमारा ये ओल्ड कॉस्ट है है ना तो ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट इसको बोल देते हैं ओरिजिनल ओरिजिनल कॉस्ट इसका मतलब कब का 2015 फिफ्टीन वाला ठीक है ओल्ड ठीक है इन टू इन टू अभी जो लेटेस्ट कॉस्ट इंडेक्स वैल्यू है तो कॉस्ट इंडेक्स वैल्यू कॉस्ट इंडेक्स वैल्यू इन 2022 ट्वेंटी टू अपॉन कॉस्ट इंडेक्स वैल्यू इन ओल्ड टाइम 2015 फिफ्टीन ये हमारा इसका ये प्रेजेंट कॉस्ट इन 2022 ये हमारा आ गया तो एक तरह से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 22 और 2015 आप ये बोल दीजिए पास्ट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू आप इस तरह से बोल सकते हैं आप प्रेजेंट वैल्यू और इसकी ओरिजिनल वैल्यू ऐसे बोल सकते हैं तो यहां पर बोल सकते हैं कॉस्ट इंडेक्स वैल्यू एट ओरिजिनल टाइम कॉस्ट इंडेक्स वैल्यू एट प्रेजेंट टाइम आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यह हमारा फॉर्मूला होता है ठीक है तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा कॉस्ट इंडेक्स का एक फॉर्मूला हो गया सिंपल सा आप इसको याद रखिए C2 टू इजक्वल टू सी वन इंटू एक्स टू अपॉन एक्स वन एक्स वन एंड एक्स टू आर द एक्स वन एंड एक्स टू आर द कॉस्ट इंडेक्स वैल्यू एट पास्ट टाइम एंड प्रेजेंट टाइम एंड सी वन एंड सी टू इज द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट एट ओरिजिनल टाइम एंड प्रेजेंट टाइम याद रहेगा ये चार चीजें हैं आपको याद रखना है चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी अब ये एक स्केलिंग मेथेड के थ्रू होता है और इसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला की बात करता हूं ठीक है अगर हम बात करें सी टू इजक्वल टू तो सी वन इन टू क्यू टू बाई क्यू वन टू होल पावर एन यह हमारा कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी तो जब ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी की बात होती है पावर में एन ये एन कहलाता है हमारा एन कहलाता है हमारा या तो सिक्स टेंथ फैक्टर सिक्स टेंथ फैक्टर ठीक है या तो कोई एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है या फिर एक एनी फ्रैक्शनल वैल्यू जो कि जीरो से वन के बीच में ही लाई करती है जो कि जीरो से वन के बीच में ही लाई करती है तो कोई एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हमारा कैपेसिटी क्यू टू क्या है जो न्यू कैपेसिटी का प्लांट लगा रहे हो क्यू वन क्या है जो ओल्ड कैपेसिटी का प्लांट था पावर एन क्या है उसकी इंडेक्स वैल्यू है और इंडेक्स वैल्यू कैपेसिटी वाले टर्म में लिया जाता है और ये एन की वैल्यू सिक्स टेन फैक्टर अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग इसको पॉइंट सिक्स लेते हैं और अगर दिया है तो जो गिवन है वो पुट करते हैं और सी वन ये ओरिजिनल कॉस्ट है सी टू जो ये न्यू कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ये हमारा फार्मूला हो जाता है ठीक है चलो तो इस तरह से हम लोग ये निकाल सकते हैं सर ये सिर्फ इक्विपमेंट के लिए नहीं बेटा ये आपके इक्विपमेंट के लिए भी है ये आपके कंस्ट्रक्शन के लिए भी है ये आपके सैलरीज के लिए भी है इस तरह से बहुत सारी कॉस्ट इंडेक्सेज पब्लिश होती हैं और हर कॉस्ट इंडेक्स अपना पर्टिकुलर किसी एक के लिए रिप्रेजेंट की जाती है अच्छा कॉस्ट इंडेक्स अलग अलग भी आती है फर्टिलाइजर प्लांट के लिए टोटल ये है पेट्रोलियम प्लांट के लिए ये है पेंट के लिए ये है फार्मास्यूटिकल uh, के लिए ये है इस तरह से हमारा पर्टिकुलर कॉस्ट इंडेक्स प्लांट वाइज भी आती है इक्विपमेंट वाइज भी आती है कंस्ट्रक्शन वाइज भी आती है हर तरह की कॉस्ट इंडेक्स पब्लिश होती है पर्टिकुलर सेक्टर में ठीक है तो ये था हमारा कॉस्ट टोट कैपिटल कॉस्ट एस्टिमेशन अब बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट की टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट बेटा उस बात को, उस बात बात को को रिप्रेजेंट करता है जहां पर हम लोग किसी भी अपने इंडस्ट्री में प्रोडक्ट के कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं डिसाइड करते हैं जहां पर हमारा एमआरपी डिसाइड होता है तो चलो यहां पर मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा बस इतना सा बताऊंगा नंबर ऑफ कैलकुलेशंस uh, होती हैं बहुत सारा वहाँ पर जो भी एक्सपेंसेज होता है वो सब एक्सपेंसेज कैलकुलेट किया जाता है वो सारी चीज़ें कंसीडर की जाती है आप किसी से प्लांट लगाने के लिए जो पैसा लेते हो उस पैसे का जो इंटरेस्ट होता है वो भी जो आप लैंड परचेज किए हो उस लैंड परचेज करने के बाद जो आप उसका टैक्स देते हो हाउस टैक्स टाइप में कुछ आपका लैंड कॉस्ट आता है टैक्स जाता है वो भी यहाँ तक कि अगर हमारे कंपनी में कोई एक्सीडेंट हो गया ठीक है उस एक्सीडेंट में जो भी उसकी रिकवरी कॉस्ट आई वो भी प्रोडक्ट में ही इंक्लूड होता है कहते हैं तेल तिली से निकलता है बनिया अपनी जेब से थोड़ी देगा तो ये बात सही है कि जितना भी वहां पर एक्सपेंसिव होता है वो सारा का सारा उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है वो कोई अलग से नहीं आता जो उसका मालिक होगा प्लांट का वो अपनी जेब से नहीं देगा कि यार चलो ये प्लांट में ये हमारा ब्लास्ट हो गया एक रिएक्टर खराब हो गया चलो मैं जेब से दे देता हूं क्यों दे दे जेब से तो कुछ नहीं सब यहीं से ही आपको प्रोवाइड किया जाता है ठीक है तो ये टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट में वो सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं और इसीलिए ये टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट को वन ईयर के बेसिस पे जो टोटल एक्सपेंसेज होगा उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वन ईयर का टोटल एक्सपेंसेज कितना था वन ईयर का हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ और उस बिहार पे हमें टोटल कितना प्रॉफिट चाहिए फिर कितना डीलर प्रॉफिट लेगा कितना इसमें ऑफर देना पड़ेगा तब जाके उसकी एमआरपी डिसाइड होती है तो ये टोटल ऐसे निकाला जाता है क्या क्या चीजें होती, इसमें? इसमें इतनी सारी होती हूं और ये आपके एंड पीटर एंड टीमर हाउस का फिगर है ठीक है वहां से मैंने इसको उठाया है लेकिन इसको खुद पूरा डिजाइन करके आपको पूरा शो कर रहा हूं ये अभी नहीं दो साल पहले का मेरा डिजाइन किया हुआ है ठीक है तो होप सो कि अगर आप जूम करके देखेंगे इसका स्क्रीन ले लीजिए और अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको ये पूरा दिखेगा है ना आपको ये पूरा समझ में आएगा तो बस मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ये टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट इसके दो पार्ट होते हैं एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक होता है हमारा जनरल एक्सपेंसिस ये सारी चीजें आपको कोई पढ़ाता नहीं है लेकिन ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप जॉब करने जाओगे ना तो ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी आपके ठीक है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और जनरल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो आपके तीन तरह का होता है एक होता है डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट एक होता है फिक्स चार्जेज और एक होता है प्लांट ओवरहेड कॉस्ट और जो आपका ये जनरल एक्सपेंसेस होता है इसको फाइव टाइप्स में डिवाइड करते हैं एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट एक्सपेंसेस तीसरा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस चौथा होता है फाइनेंस एक्सपेंसेज और पांचवा होता है ग्रॉस Earning expenses, five तरीके का होता है अब कौन सा क्या होता है मैं एक बार जस्ट पढ़ते हुए आपको बता देता हूं जब हम डायरेक्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे डायरेक्ट रिलेटेड हो रॉ मटेरियल अरे वो नहीं होगा तो कैसे बना लोगे ऑपरेटिंग सुपरविजन अरे जिसको जो उसको ऑपरेट करने वाला नहीं है तो फिर कैसे हो जाएगा जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो भी वहां पर वर्कर्स होते हैं वो सब ऑपरेटिंग सुपरविजन में आते हैं स्टीम इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल रेफ्रिजरेशन वाटर और ये आ, कूलिंग वाटर ये सब हमारा यूटिलिटीज और पावर का पार्ट होता है ठीक है ये यूटिलिटीज में आता है सब यो है ये मेंटेनेंस एंड रिपेयर वो उसकी का मेंटेनेंस जो हमारे प्लांट से डायरेक्ट रिलेटेड है ये डीपीसी का पार्ट है फिर ऑपरेटिंग सप्लाईज लेबोरेटरी चार्ज ठीक है रॉयल्टीज ये सब उसी में आता है कैटलीस सॉल्वेंट केमिकल ये सब हमारा डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होता है फिर फिक्स चार्जेज में डिप्रीशिएशन

उनके लिए रोड अच्छे अच्छे रोड है आने जाने के लिए बस बनवा देते हो डेली जो हमारी फैसिलिटीज होती हैं वाशरूम बनवा दिया ये सब सारा जो अरेंजमेंट करते हैं वो पूरा हमारा किस में आता है प्लांट ओवरहेड कॉस्ट में रेस्टोरेंट हो गया या फिर हमारा पार्किंग का हो गया उनके लिए जो हम लोग एक्सपेंस एक्सपेंसिज उनको कार प्रोवाइड कर रहे हैं बस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब कुछ फैसिलिटी जितना भी है ये प्लांट ओवरहेड कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव अरे जो भैया आपका सब कुछ मैनेज कर रहा है पूरा आपका हिसाब किताब रख रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती है कितना प्रोडक्ट गया कितना रॉ मटेरियल आया हर चीज उसके पास रहता है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पार्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग जो आप मार्केट में देखते नहीं हो बड़े बड़े होल्डिंग्स टंगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया में आपके एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं तो ये सबका पैसा देना पड़ता होगा ना तो वो सब पैसा देने का वो आपका मार्केटिंग में ठीक है फिर प्रोडक्ट को आप मार्केट तक पहुंचाते हो उसमें कई बार ऑफर्स देते हो तो वो सब हमारा मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन सब का पार्ट होता है फिर इसके बाद हमारा आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कॉन्टीन्यूसली ऑप्टिमाइजेशन के लिए रिसर्च करते रहते हैं नए नए प्रोसेस सर्च करने के लिए वहां पर रिसर्च चलती रहती है तो वो आर एंड डी में जो पैसा लगता है वो हमारा इस सेकेंड वाले का जनरल एक्सपेंसिस का पार्ट है फिर इसके बाद हमारा आता है जो भी हम लोग ग्रॉस uh, अर्निंग uh, जो भी हमारा पूरा कमाई आता है उसमें हम लोग टैक्स पे करते हैं तो वो ग्रॉस अर्निंग एक्सपेंसिज वो हमारा हो गया फिर इसके बाद फाइनेंसिंग जो भी हम लोग फाइनेंस वगैरह का जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं वो पूरा हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट आ जाता है तो ये हमारा पूरा इन सब को जितने कॉस्ट लिखे हैं सबको इंक्लूड करके हमारा टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट डिसाइड होता है फिर ये जो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट डिसाइड होता है ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक्सपेंसेस का है फिर इसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं फिर प्लस डीलर की प्रॉफिट ऐड करते हैं फिर प्लस जो ऑफर ऐड करते हैं फिर प्लस जाने क्या क्या ऐड करते हैं है, वो मिलके बनता है एमआरपी कई बार आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने सोशल मीडिया में कई बार सुना होगा कि भैया जो हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल पंद्रह रुपए वाली पीते हैं उसकी कॉस्ट सिर्फ एक रुपए सत्तर पैसे होती है ऐसा आपने सुना है ना वो एक रुपए सत्तर पैसे बेटा इसमें टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट भी नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो एक रुपए सत्तर पैसे हम क्या बोलते हैं चलो यार हम भी ना एक पेप्सी हम सब का एक कंपनी लगाते हैं भाई साहब एक महीने में एकदम करोड़पति हो जाएंगे बात सही है उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है लेकिन ऐसा नहीं है कि यार वो डीपीसी थी, वो एक सत्तर पैसे तो गैस लीक ना होने पाए उसकी सेफ्टी वो सारा चार्ज होता है फिर उसके बाद जो फिक्स चार्ज है प्लांट ओवरहेड कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव है फिर उसमें नए नए प्रोसेस हम देखते रहते हैं क्योंकि हम वो पीते पीते तो आदि हो जाते हैं फिर हमें वो कोल्ड ड्रिंक नहीं एक शरबत की तरह लगने लगता है पेप्सी की तरह फिर हम बोलते हैं नहीं कुछ और अच्छा होना चाहिए तो उसके रिसर्च चलते रहते हैं है ना तो वो सारे वो एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे वो भी तो इंक्लूड होंगे तब जाके कहीं कॉस्ट आती होगी ये चार से पांच रुपए पर बोतल तीन रुपए चार रुपए जो भी आती हो अब एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट नहीं किया फिर उसमें ये अच्छा खासा प्रॉफिट लेते होंगे कुछ एक दो रुपए डीलर को मिलते होंगे प्लस फिर एक दो रुपए कुछ और एक्स्ट्रा होता होगा ऑफर आता रहता है कि जिसके वो जो कॉक होता है ऊपर है ना ढक्कन होता है कैप उसमें अगर किसी का लकी ड्रा आ गया तो उसको फिर ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे वर्ल्ड कप के लिए तो जो वो कॉस्ट ऑफर आते हैं तो वो भी तो उसी में इंक्लूडेड है आपको क्या लगता है घर से बेचते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं और जो आप देखते हो ना कि सचिन यहां पर पेप्सी लिखे हुए हैं और फिर खेलने जा रहे हैं उनके बैट में एम लिखा है तो फिर वो खेलने उतर रहे हैं तो आपको क्या लगता है वो जेब से जाते हैं उनके अरे भैया जो ये लिखा है ना आपका कहा वो कहा प्लांट ओवरहेड हेड देख लेना आप कहीं पर तो होगा ठीक है जितना भी आपका एक्सपेंसिज uh, रहता है जो आपका मार्केटिंग का पार्ट होता है वो सब हमारा इसमें आता है चलो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ अब हम आ जाते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इजर का सुना था तो कोई बात नहीं बाकी इसका मैंने ओपन कर दिया है ना आप लोग केमिकल इंजीनियर हो अवेयर रहना आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है और मैंने ये तक फुल कोर्स में बताया था कि मार्केट में प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे बढ़ाते हैं मुझे तो अच्छे से याद है जब मैं छोटा था तब सात रुपये की बोतल आती थी पहले पांच रुपए की बोतल पी हम लोगों ने तीन सौ एम की फिर उसके बाद वो सात की हो गई थी लेकिन पांच रुपए की एक ही दो पी थी फिर सात की काफी पी आठ की तो बहुत पी फिर दस की हो गई थी फिर कुछ दिन बाद पता चला कि वो तीन सौ एम वाली दो सौ में अपने आप कन्वर्ट हो गई और फिर वो दस रुपए की आने लगी फिर उसका कॉस्ट अब रुपए भी हो गया तीन सौ 300 एल वाली उठा के बंद कर दी प्लास्टिक की 200 की आ रही है और वही बीस रुपए की आ रही है ठीक है ना तो कैसे मार्केट में कॉस्ट बढ़ानी है अब केमिकल इंजीनियर हो अगर आपको नहीं पता ना तो आप अच्छे केमिकल इंजीनियर नहीं हो आप प्रोडक्शन में जाना मार्केटिंग में मत जाना और अगर पैसा कमाना है तो मार्केटिंग में जाना आई में मार्केटिंग वाले को गजब का पैसा मिलता है और ये कंपनी नहीं देती ये गिफ्ट मिलते हैं अपने आप मिलते हैं आप मना करोगे तो भी मिलते हैं आप भगा दोगे गिफ्ट वाले को तो रात में वो आपके घर के बाउंड्री के अंदर फेंक के चला जाएगा ऐसे तक मिलते हैं ठीक है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको सब कुछ पता होना चाहिए ठीक है नहीं ये रियलिटी है भाई मेरा एक दोस्त है हम तो मेरे कई स्टूडेंट हैं अभी परसों के दिन एक बच्चे का मैसेज आया सर मुझे आईओसीएल में मार्केटिंग मिला है कहा जात जी ले अपनी जिंदगी तो है ना तो ये होता है ऐसा चलो तो अब आ जाते हैं हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या टाइम हो गया चलो अब बताओ क्या करें क्या करें आप लोगों का जोश तो कम हो गया कंटिन्यू करें आगे या इसके बाद फिर कल कंटिन्यू करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंटिन्यू करें क्या ये चार पांच फार्मूले ही तो लिखने कंटिन्यू चलो नजर सब पे रखो हाँ ठीक है तो चलो ये वाला पूरा फिनिश कर लेते हैं फिर एनयूटी से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे एनयूटी वाला पूरा पार्ट फिर इसके बाद डिप्रीसिएशन वाला पूरा पार्ट ये नेक्स्ट में कवर करेंगे ठीक है नेट आ, नेट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू और फिर डिप्रीसी चलो तो अभी इसको फिनिश कर लेते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोगों को क्या कि मनी की टाइम के साथ साथ क्या वैल्यू है और मैंने आपको हमेशा से एक एग्जांपल सिखाया है 2000 का नोट आप अपने पास रखे रहो भाई साहब आप चार साल रखे रहो लेकिन जब आप उसको निकाल के किसी मार्केट में उसको आप उससे कुछ सामान परचेज करोगे तो उस समय दो का जो कॉस्ट होगा उतने ही सामान आपको मिलेगा जैसे आपके पास दो दो हजार के समय मान लो पचास नोट है एक लाख रुपए हो गए आप उसका गोल्ड आज परचेज करके रख लो और दस साल बाद उस गोल्ड को सेल करो वो एक लाख से कहीं ज्यादा अमाउंट का बिकेगा इसका मतलब टाइम के साथ साथ मनी की कुछ तो वैल्यू थी अगर वैल्यू नहीं होती अगर वैल्यू नहीं होती तो आज भी उसकी कॉस्ट वन लैख ही होनी चाहिए सर वो टाइम मनी की वैल्यू कहां थी वो तो सर गोल्ड की वैल्यू थी तो बस बेटा यही होता है कि जो मनी है ना वो मनी नहीं है वो एक आपका कैपिटल है इसीलिए हम लोग प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स में उसको मनी नहीं बोलते कहीं पर भी पूरी बुक में आप पढ़ लेना मनी वर्ड नहीं एक्सप हम लोग यूज करते हैं हम उसको क्या यूज करते हैं कैपिटल हम लोग क्या यूज करते हैं सोर्स हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल सोर्स ठीक है क्यों कैपिटल बोलते हैं कैपिटल इस सर रिमेनिंग कल कर टीच करें नहीं खालिद थोड़ा सा और अरे हमारे और आपका तो टाइम एक ही चलता है ना कौन सा अलग अलग है थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लें बस ज़्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर और लगेगा हाफ एन आवर भी नहीं ट्वेल्व थर्टी तक फिनिश कर दूंगा ठीक है चलो सुनना तो हम क्या बोल रहे हैं इसमें आ, मैं भूल गया यार हाँ मैं बता रहा था कैपिटल तो कैपिटल इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसा है और आपने पैसा अपने पास रखा है तो ये आप बेवकूफ़ी कर रहे हो बेटर ये है कि आप उस पैसे को कहीं ना कहीं एक्सपेंस करिए आप इन्वेस्ट करिए और आपको क्या बोलते हैं कि भैया सचिन तेंदुलकर अब मैदान से उतर के दूसरे मैदान में उतर चुके हैं और वो क्या है इन्वेस्टमेंट का ठीक है मैं आपको ऐसा सलाह नहीं देता कि आप जबरदस्ती कहीं पर पैसा म्यूचुअल फंड में लगाइए या कहीं पर लगाइए लेकिन अगर इन्वेस्ट कर दें तो हो सकता है हमें बेटर कुछ मिल जाए और अगर नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो यार कहीं इंटरेस्ट में दे दो है ना आपको डर है तो बैंक में जमा कर दो ज्यादा डर है तो एक ही में मत जमा करो दो चार में जमा कर दो बहुत ज्यादा है तो फिर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो और ज्यादा है तो खुद का बिजनेस चला लो और ज्यादा है तो खुद की कंपनी बना लो और ज्यादा है तो मेरा अकाउंट नंबर ले लो और उसमें ट्रांसफर कर दो मैं भाई साहब कभी कभी आपको मना नहीं करूंगा जब आप मांगोगे तब आपको रिटर्न कर दूंगा ठीक है अगर बहुत ज्यादा है तो उस केस में लास्ट ऑप्शन आपके पास ये भी है यह अवेलेबल है हमेशा माइंड में रखना ठीक है तो इस तरह से हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो जो मनी है उस मनी का टाइम के साथ साथ जो चेंजमेंट होता है वो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहलाता है और हम कहीं पर ना फंसे ना म्यूचुअल फंड में ना कहीं फ्रॉड में ना कहीं पर तो सबसे अच्छा तीन तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं उस इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे हम कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दें बैंक में लगा दें पॉलिसी ले लें इंश्योरेंस करा लें तो वहां पर हमारा उसका बेनिफिट मिल जाता है और वो हमारे तीन तरह के इंटरेस्ट होते हैं पहला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट दूसरा होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और तीसरा होता है हमारा कॉन्टिन्यूस इंटरेस्ट चलिए समझिएगा तो नंबर वन नंबर वन सिंपल इंटरेस्ट तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्या क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट क्या क्या होता है भैया पापा से मत पूछने लगे पापा पैसा ज्यादा है क्या सैलेंसर का अकाउंट नंबर है थ्री टू वन जीरो फोर ने छोड़ो रहने दो ठीक है तो पापा से मत पूछने लगना कि पापा पैसा ज्यादा है क्या डालना है है ना ऐसा नहीं जब आप कमाना और आपके पास बहुत ज्यादा हो है ना तब बताना मुझे ठीक है मुझे फ्री में नहीं देना मिलके इन्वेस्टमेंट करेंगे एक कंपनी लगाएंगे उसमें कंपनी में आने वाले आगे केमिकल इंजीनियर्स को जॉब भी देंगे और उसके साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी कमाएंगे ठीक है तो हर तरह का हर तरह का अपना दिमाग लगाते रहो पैसा हो तो उसे रखो मत इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करो लगाओ ये बहुत जरूरी है रखा रहेगा तो वो दो हजार का नोट दो ही हजार का बना लेकिन आज दो हजार से आप जितना चीज परचेज कर लेंगे दो साल बाद दो हजार रुपए में उतनी चीजें परचेज नहीं कर पाओगे ठीक है ना क्यों पैसा जितना था उतना ही रह गया और इन्फ्लेशन की वजह से सामान जो मार्केट में उसकी वैल्यू थी वो इंक्रीज कर गई तो आप पैसा रखे रहोगे ना तो वो इंक्रीज नहीं कर रहा पैसे का डिफ्लेशन हो रहा है और इन्वेस्ट कर दोगे तो उसका इन्फ्लेशन हो रहा है दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं समझिएगा चलो देखो प्रशांत सोचना बहुत आसान है बेटा करना बहुत टफ है सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज टू एस आई टू पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट आई इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट पी आई एन एन इज द इन ईयर ठीक है ये हमारा और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है अगर परसेंट के बेसिस पे लेंगे तो अपॉन में हंड्रेड और पहले ही हंड्रेड का डिवाइड करके पॉइंट में रखेंगे तो कोई बात नहीं ठीक है तो ये पी आई एन या पी आई एन बाई हंड्रेड तो जो टोटल अमाउंट होता है जिसको फ्यूचर अमाउंट बोलते हैं तो उसको एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं सम है ना टोटल सम इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाता है पी प्लस एस आई तो ये हमारा हो जाता है पी प्लस पी आई एन बाई हंड्रेड तो यहां पर हम लोग पी कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस आई एन बाई हंड्रेड और जहां पर अगर आई को आप ऑलरेडी फ्रैक्शनल वैल्यू पुट कर रहे हो तो उस केस में यहां पर हमारा आई किसमें है परसेंट में या फिर कई जगह आप लिखेंगे पी वन प्लस आई एन यहां पर आई किस में है तो वो ऑलरेडी हंड्रेड का डिवाइड करके फ्रैक्शन में होती है ठीक है तो ये इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला होता है तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा ये सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा कहलाता है इंटरेस्ट ऑन मनी ओनली इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली ठीक है यार दूसरा ले लें कम अच्छा चल रहा है ठीक है तो ये इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली ये हो जाएगा ठीक तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है अच्छा जब हमें ईयर वाइज नहीं दिया होता टाइम मंथली वाइज है डे वाइज है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर डिवाइड कर देते हैं जैसे हम डे वाइज अगर पढ़े तो वैसे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इंटू आई इंटू डी बाई थ्री सिक्सटी फाइव और आई फ्रैक्शन में बेटा आई को परसेंट में रखना तो आई बाई हंड्रेड कर देना फ्रैक्शन में रखना तो ऐसे लिख देना ठीक है ये सिंपल इंटरेस्ट है इसको बोलते है इसको क्या बोलते बोलते हैं हैं ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी सिंपल सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या अगर सॉरी ऑर्डिनरी के, के केस में हमारा क्या हो जाता है थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी और वो कैसे हो जाता है ये हो जाता है बेटा ईयर में ट्वेल्व मंथ और मंथ में थर्टी डेज थ्री सिक्सटी अगर हम बात करें एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट की तो एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आई इंटू डी बाई थ्री सिक्सटी फाइव क्योंकि ईयर में हमारे थ्री सिक्सटी फाइव होते हैं और अगर हम एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट की बात करें बट लीप ईयर में करें तो एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट इन लीप ईयर इक्वल टू ये हो जाता है पी I D बाई थ्री सिक्सटी सिक्स यह हमारा फाइनल तीन फॉर्मूले आ गए फिर इसके बाद एक और फार्मूला हो, हमारा होता है ठीक है अमाउंट टू बी डबल और जब हम सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में लेते हैं तो वो आई इज टू हंड्रेड बाई एन या एन इज्वल टू हंड्रेड बाई आई के टर्म में लेते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में सेवेंटी टू एन बावेंटी टू बावेंटी टू बाई आई के टर्म में लेते हैं ठीक है एक मिनट बेटा गायरोज में प्लीज वैकेंसी निकलेगी ना नहीं गायरोज में केमिकल इंजीनियर की वैकेंसी नहीं है वर्कर की वैकेंसी है ठीक है तीन हजार रुपए महीने किसी को चाहिए तो मुझे बता देना मैं उसका सिलेक्शन करवा दूंगा ठीक है चलो नेक्स्ट हाँ सर विदाउट गेट स्कोर वो भी देखो अभी से ये मक्कारी चालू पहले से जुगाड़ बनाना चालू हो गया रोहन का कि सर विदाउट गेट स्कोर होगा तो फिर मुझे तो पक्का ले लेना है ना चलो सर काइंडली सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला रिपीट करें सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला रिपीट करें मैं अभी फिर से बता देता हूं बेटा सर क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे उसमें तो 365 ही होगा ना लीप ईयर ना हो तो बेटा अगर आपको पूछे कि ऑर्डनरी बताना है तो 360 अगर मुझे एग्जैक्ट बताना है तो 365 और एग्जैक्ट कोई ईयर का नाम ले लेगी इन ईयर 2000 इन ईयर 2012 इन ईयर 2020 तो वो अपने आप लीप ईयर हो गया तो फिर 366 यूज करना है वो तो क्वेश्चन में क्या दिया है उसके बेसिस पे नहीं दिया तो आप 365 यूज करिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे ज्यादा बेटर है कुछ नहीं दिया तो और ऑर्डरी बोल दिया तो फिर ये लगाइए और लीप ईयर बोल दिया तो ये लगाइए नहीं तो हमेशा इसको करिए एग्जैक्ट करो हमेशा ना, हमेशा अच्छा आंसर निकालो क्यों जबरदस्ती आपको ऑर्डिनरी करना है और जब नहीं पता तो लीप ईयर कैसे लगा दें जबरदस्ती तो हमेशा फिर इसको फॉलो करेंगे ठीक है गॉट इट चलो डी को क्या बोलते हैं डी मैंने कहां पर लिखा बेटा डी मतलब डे यार डी का मतलब डेज कितने दिन अरे नीचे दिन है यार महीने साल के तो ऊपर भी तो इतने दिन का ना फिफ्टी डेज सिक्सटी डेज ठीक है चलो अब आगे समझिएगा खालिद ने पूछा सर एक बार इसको और रिपीट कर दीजिए मैं बेटा जस्ट एक ऐसा आपको एग्जाम्पल से ले लेता हूं कि मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट हंड्रेड रुपीज है और उसमें आई आपका टू परसेंट एनुअली है पर ईयर ठीक है और आपको थ्री ईयर के लिए हमने पैसा दे दिया और आफ्टर थ्री ईयर मैंने पूछा कि भैया मेरा पैसा लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे खालिद तो सर कितना लौटाना है तो मैंने बोला यार कैलकुलेट कर लो सर इंटरेस्ट कितना हुआ मैंने बोला ऐसा SI ही निकाल दो भाई आप आप अपने स्टूडेंट हो तो फिर ऐसा SI ही निकाल दो है ना कोई और होता तो फिर सीआई ले लेते हैं, और नहीं तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद फिर कॉन्टिन्यूस तो है ही है तो देखो कैसे निकालेंगे एस आई इचक् टू हंड्रेड रुपीज पी इंटू आई टू परसेंट या तो टू बाई हंड्रेड पुट करो या टू परसेंट है तो पॉइंट जीरो टू पुट करो बात तो एक ही हो गई ना इन टू कितना थ्री ईयर के लिए तो कितना हो गया ये ये कितना हो गया हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल थ्री टू जा सिक्स रुपीज रुपीज पहले लिखेंगे ठीक है अब जब आपने इस तरह से निकाल लिया जब आपने इस तरह से निकाल लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको तो ये हमारा आ गया रुपीज सिक्स तो आप हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया टोटल अमाउंट कितना हो गया हंड्रेड प्लस सिक्स तो तो, टो, टोटल कितना आ गया 106 रुपीज। इतना आपको मुझे पे करना है तो सिंपल सा अब ऐसे भी डायरेक्ट निकाल दोगे टू परसेंट तो सौ रुपए का टू परसेंट कितना होगा दो रुपए एक साल का दो रुपए दो साल का चार रुपए तीन साल का छह रुपए सर एक सौ छह रुपए ले लो यार बात हटाओ खत्म करो है ना हो गया तो इस तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे ठीक है खालिद होप सो अभी क्लियर हो गया होगा चलो ना मैं सौ रुपए कभी आपको उसमें दूंगा उधारी में और मुझे पता है अगर मैं दे दूंगा तो ये सौ रुपए का एक सौ छह इसमें छ रुपए भी मुझे रिटर्न नहीं मिलेंगे है ना बच्चे इतने बेईमान होते हैं मैं कैसे दे दूंगा तो वैसे भी मैं देने वाला नहीं हूं चलो आगे बात करते हैं अब आ जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट चलिए देखते हैं आप लोग मुझे बताओ बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ये होता है और जब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जितना इंटरेस्ट हमारा अब जैसे मैंने बोला कि भाई पहले साल का टू रुपीज दूसरे साल का फिर टू रुपीज तीसरे साल का फिर टू रुपीज तो टोटल सिक्स रुपीज लेकिन अगर यही हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, भाई साहब सिक्स रुपए नहीं आता पॉइंट समथिंग आता पहले ईयर तो टू रुपीज होता लेकिन अगले साल का जो होता वो टू रुपीज नहीं होता टू पॉइंट समथिंग होता कुछ ना कुछ बढ़ जाता क्योंकि हमारा हंड्रेड रुपए नहीं हंड्रेड एंड टू रुपए होता तो अगर हंड्रेड एंड टू रुपए होता समझिएगा पहले अगर पी की बात करें हम हंड्रेड रुपीज आई की बात करें हम टू परसेंट ठीक है और एन की बात करें हम मान लो थ्री uh, ईयर तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर के लिए तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा वन हंड्रेड टू फिर सेकेंड ईयर के लिए जब बात करें एन इज टू सेकेंड ईयर का तो जो टोटल अमाउंट आएगा बेटा वो कितना आएगा वो आएगा पहले वन हंड्रेड टू का टू परसेंट इन टू वन ईयर का तो बेटा ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा बता दो ना कितना हो जाएगा टू पॉइंट point... कर दो यार कैलकुलेटर कहा गया सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा टू पॉइंट जीरो फोर आ जाएगा क्या टू पॉइंट जीरो फोर आ जाएगा क्या ऐसे निकाल लो क्यों कैलकुलेटर की नीड है ठीक है अब टोटल अमाउंट s इजक्ल टू कितना हो जाएगा s इजक्ल टू हो जाएगा वन हंड्रेड फोर पॉइंट जीरो फोर फिर जब थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो n इजक्ल टू थर्ड ईयर के लिए थर्ड ईयर के लिए तो आप कितना हो जाएगा वन फोर पॉइंट जीरो फोर इंटू टू परसेंट फिर थर्ड ईयर के लिए तो वन ईयर ही होगा तो इसमें कितना हो जाएगा वन जीरो फोर पॉइंट जीरो फोर इंटू टू डिवाइड बाई हंड्रेड तो ये कितना आ गया टू पॉइंट जीरो एट जीरो एट और इसमें हंड्रेड एड कर देंगे तो ये वन हंड्रेड वन हंड्रेड इसमें एड कर दो प्लस 104.04 तो कितना आ जाएगा वन हंड्रेड तो टोटल हमारे पास इतना अमाउंट आ गया ठीक है तो टोटल हमारे पास इतना अब खालिद हम मुझे एक सौ छह रुपए नहीं एक सौ छह रुपए बारह पैसे भी साथ में और देंगे दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर हमारा जो ये एस था जो सेकेंड ईयर की बात आई तो यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो गया फिर यहां पर जो ये एस था जब थर्ड ईयर की बात आई तो यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट फिर चेंज हो गया इस वजह से जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अब आप समझिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं अब इसको भी सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं है ना जैसे बच्चे दिमाग लगा ले जाते हैं कि सर मैं बाद में रिकॉर्डेड देख लूंगा तो मेरा दस मिनट बच जाएगा ऐसे ही यहां पर भी दिमाग लगाया जाता है एक नॉमिनल और एक इफेक्टिव के बेसिस पे क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला बेटा एस इज पी वन प्लस पावर अच्छा सॉरी वन प्लस आई टू पावर एन होता है पी वन प्लस आई टू पावर एन होता है अब ये कैसे आया किसी को इसका डाउट तो नहीं है कि यह कैसे आया बेटा अगर कैसे में हम कैलकुलेट करें तो फिर मुझे आपको पूरा डेरिवेशन बताना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाए नहीं है आप मेरा YouTube वाला कोर्स देखिए या आप मेरा प्लस वाला कोर्स देखिए मैंने ये पूरा ड्राइव कराया है उसके बाद आपको लिखाया है तो मैं यहां डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है रिवीजन करना तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ मूव कर रहा हूं तो ये हमारा होता है वन प्लस आई टू दी पावर एन इसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं ये टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है और ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है बट यहां पर आपको क्या याद रखना है जो एन दिया होगा यह हमारा एनुअली होगा या इयरली होगा एनुअली या होगा और जो हमारा आई होगा ये आई भी हमारा एनुअली रेट होगा ये एनुअली रेट होगा एनुअली इंटरेस्ट रेट होगा और जब एनुअली की बात करते हैं तो यहां से जो टोटल अमाउंट आता है और उससे चाहे हम जैसे निकालें तो वहां पर आई इफेक्टिव और आई नॉमिनल वो सब हमारा इक्वल टू आई के इक्वल ही होता है जो आई हमारा एनुअल होता है ये सब इक्वल होता है लेकिन अगर लेकिन अगर एफ एफ आई एज Not गिवेन एनुअली तो फिर वहां पर दो तरह की चीजें आती हैं एक आता है हमारा एक आता है हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और एक आता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं एक आता है हमारा नॉमिनल जो नॉमिनल बहुत ही नॉर्मल सा होता है और ये सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा प्रभावित होता है है ना इसको सिंपल इंटरेस्ट बड़ा मतलब अच्छा लगता है तो वो उसी को फॉलो करता है बोलता है यार क्या हुआ मैं इसका पार्ट हूं लेकिन नॉमिनल यार नॉर्मल से कर लो और वो क्या बोलता है कि जो टोटल अमाउंट होगा आई है ना वो जो गिवेन आई होगा तो आर इजक्वल टू आई इंटू एम होगा और आई इंटू एम जहां पर आई क्या बताता है हमारा पीरियडिकली इंटरेस्ट रेट होता है पीरियोडिकली इंटरेस्ट रेट होता है और जो ये एम होता है ये नंबर ऑफ पार्ट कंपाउंडिंग टू वन ईयर होता है वो ये बताता है कि वन ईयर में कितनी बार कंपाउंड किया होगा तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड बोलते हैं इसको नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड तो जैसे अगर मैं बात करूं कि यदि आई हमारा गिवन है एनुअली तो उस केस में एम की वैल्यू कितनी होगी तो अगर आई एनुअली गिवन है तो कितनी बार कंपाउंड करना पड़ेगा सिर्फ एक बार एनुअली है तो ये वन रहेगा तो उस केस में जो आर होगा वो आई के इक्वल हो जाएगा अगर हमारा आई दिया है सेमी एनुअली सेमी एनुअली तो एम की वैल्यू कितनी होगी टू होगी अगर आई हमारा दिया है क्या हाफ ईयरली तो उसका मतलब सेमी एनुअली होता है अगर ये दिया हमारा क्वार्टरली अगर तो एम की वैल्यू जल्दी से बता दो कितनी होगी थ्री की 4 अगर ये क्वार्टरली दिया है तो एम की वैल्यू कितनी होगी एम की वैल्यू कितनी होगी क्वार्टर का मतलब होता है लड़के समझ गए होंगे क्वार्टर का मतलब होता है बहुत मार खाओगे अच्छा ये बताओ पौआ जानते हो पौआ पौआ चढ़ा के आई कुछ ऐसा था ना चिकनी चमेली हट क्या था यार मैं भूल गया पौवा चढ़ा के पौआ मतलब समझते हो क्वार्टर पौआ मतलब जानते हो अगर मार्केट में जाओ और आप किसी से बोलो कि यार एक पाव चीनी दे दो एक पाव ये दे दो उसका मतलब कितना होता है ढाई सौ ग्राम वो वन फोर्थ ऑफ दन ईयर मतलब वन फोर्थ ऑफ दी वन किलोग्राम वो होता है ढाई सौ ग्राम ठीक है तो इसका मतलब होता है फोर कैसे भूल जाते हो यार आप लोग कैसे भूल जाते हो यार मैं भूल गया कोई कोई बताओ ना वो क्या था कौआ चढ़ा के कुछ था ऐसा बोलते है ना उसको किया ढाई सौ ग्राम पाओ है ना अब आपके यहां आप क्या क्या बोलते हैं तो ये जो क्वार्टर यार क्वार्टर आप लोग नहीं जानते हो शर्म करो यार केमिकल इंजीनियर होने के नाम पे ना कलंक हो फिर तो।, तो क्वार्टर क्वार्टर का मतलब क्या हो गया क्वार्टर का मतलब हो गया वन बाई फोर और वन बाई फोर थ्री थ्री मंथ के फोर क्वार्टर बनेंगे जैसे वन किलोग्राम में ढाई सौ ग्राम के फोर क्वार्टर बनते हैं बात समझ में आई इसी तरह वन ईयर में टोटल कितने उसको फोर से डिवाइड करिए थ्री थ्री मंथ के फोर क्वार्टर बनेंगे तो कितने मंथ में कंपाउंडिंग होगी कंपाउंडिंग होगी थ्री मंथ में एवरी थ्री मंथ में कंपाउंडिंग होगी बट एक साल में चार बार कंपाउंडिंग होगी तो एम की वैल्यू फोर होगी और मैं क्या बोल दू कंपाउंडिंग इन एवरी थ्री ईयर कंपाउंडिंग इन एवरी थ्री ईयर और मैं क्या बोल दू वन क्वार्टर वन क्वार्टर इक्वल टू थ्री मंथ अब तो नहीं भूलेगा अब तो नहीं भूलेगा ठीक है एवरी थ्री मंथ मन्... थ्री ईयर लिख गया सॉरी बाकी आप लोग समझदार हो भाई समझदार हो आप लोग थ्री मंथ ठीक है हर तीन महीने में उसका क्या होगा कंपाउंडिंग होगा तीन महीने का एक क्वार्टर होगा लेकिन एक साल में चार क्वार्टर होंगे फोर क्वार्टर होंगे इसको बोलते हैं क्वार्टरली और बताने की नीड है क्या मंथली एम की वैल्यू ट्वेल्व हाफ मंथ एम की वैल्यू ट्वेंटी फोर की वैल्यू 52 अब ये मत बोलना सर 52. Something आएगा. 52 आएगा अरे ही मान के चलते हैं ठीक है दो दिन एक्स्ट्रा होते हैं, छोड़ देते हैं, इतने हम लोग हैं से, है? तो अगर डेली बोल दे तो 365 ठीक है आर्ली बोल दे अरे वो सब आप निकाल लोगे अब एम की वैल्यू आप निकाल लोगे ठीक है इतनी एम की वैल्यू होती है बस नॉमिनल इंटरेस्ट के लिए कभी आप निकाल सकते हो ठीक है अब आता है सेकेंड लेकिन अब आप एक बात देखना अगर हम बोले i इक्वल टू टू परसेंट पर मंथ तो जो हमारा r होगा टू इन टू पर मंथ तो m की वैल्यू कितनी हो गई ट्वेल्व क्योंकि पर मंथ बोल रहा है ना तो कितने महीने हो गए कितने मंथ हो गए ईयर में ट्वेल्व तो हमारा कितना आ गया ट्वेंटी फोर परसेंट ट्वेंटी फोर परसेंट और हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर मंथ वाला है तो इसको इस तरह से लिखते हैं ट्वेंटी परसेंट कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग मंथली और जहीं पर भी ये कंपाउंडिंग मंथली लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि जो गिवन था वो एग्जैक्टली exactly मंथ के लिए दिया था और हमने उनके ऊपर एहसान करके इसको इयरली या एनुअली बना दिया है और ये 24 पर year, ऐसा भी आप लिख सकते हो, या इतने परसेंट पर ईयर कंपाउंडिंग मंथली हो गया कि गिवेन मंथली था उससे निकाला ईयरली है अब इसको यूटिलाइज कर रहे हैं अब इसको यूज कर रहे हैं लेकिन जब हम आई इफेक्टिव की बात करते हैं फार्मूला बोलो जल्दी से आई इफेक्टिव का आई इफेक्टिव का फार्मूला बोलो जल्दी से मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं बेटा इसलिए डायरेक्ट लिखा रहा हूं फार्मूला बोलिए आई इफेक्टिव का क्या हो जाएगा वन प्लस वन प्लस आर बाई एम टू होल पावर क्या हो जाएगा एम माइनस वन यही होगा क्या वन प्लस आर बाई एम टू पावर एम माइनस वन ये होगा या नहीं होगा यह होगा या नहीं होगा ठीक है क्लियर है सही है सही है होता क्या ये होता क्या ये जब हम बेटा आई इफेक्टिव की बात करते हैं तो चाहे आप ऐसा लिख दो चाहे आप ऐसा लिख दो वन प्लस आई टू दावर एम माइनस वन चाहे आप ऐसा लिख दो, दोनों एक ही बात है क्योंकि आई इक्वल टू होता है आर बाई एम आर इक्वल टू होता है आई एम बात एक ही लिखी हुई है अब यहां से जब आप निकालेंगे आई इफेक्टिव तो बेटा आई इफेक्टिव इक्वल टू मैं इसी गिवन डेटा के लिए निकाल दूं तो क्या हो जाएगा वन प्लस वन प्लस आर की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी फोर परसेंट तो ट्वेंटी फोर परसेंट परसेंट का मतलब हो गया अपन हंड्रेड एम की वैल्यू ये कंपाउंडेड मंथली तो कितना हो गया अपॉन ट्वेल्व टू होल पावर ट्वेल्व माइनस वन जल्दी से आंसर बता दो कितना आएगा जल्दी से आंसर बता दो कितना होगा ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट टू फोर ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट टू फोर टू परसेंट आया ना ये आ रहा है कि नहीं एक बात बताओ ये आ रहा है कि नहीं मैंने हंड्रेड का मल्टीप्लाई कर दिया परसेंट के लिए या फ्रैक्शन में लिख देते तो पॉइंट टू सिक्स एट टू फोर वन सेवन ऐसे कुछ आ रहा है ठीक है तो ये आई इफेक्टिव आ गया सर अगर इससे निकाले तो तो बेटा कौन सी बड़ी बात है वही तो यहां पर भी लिखा है क्या आई इफेक्टिव इजकअल टू वन प्लस आई आई कितना था टू परसेंट टू परसेंट मतलब टू बाई हंड्रेड टू दावर एम एम पर मंथ दिया है तो पावर में ट्वेल्व -1. क्या ऊपर नीचे की बात सही नहीं लिखी है यह ट्वेल्व ट्वेंटी फोर बाई करेंगे तो ये टू बाई हंड्रेड नहीं बन जाएगा ये दोनों फार्मूले हमारे सेम होते हैं लेकिन यहां पर जब हमने निकाला तो ट्वेंटी फोर आया यहां पर निकाला ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट आया इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ये, ये क्या कर रहा है इसने नॉमिनल वे में नॉर्मली कैलकुलेशन की और सीधे बोल दिया कि यार टू परसेंट पर मंथ चल ट्वेंटी फोर परसेंट पर ईयर लेकिन इसने क्या बोला नहीं 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 ट्वेंटी फोर परसेंट पर मंथ कैसे ले लू मैं जब आप हमने बोल दिया कि 2 पर मंथ मंथ तो आप हर हमें रिटर्न करोगे और हर मंथ रिटर्न करोगे तो जो अमाउंट मुझे मिलेगा उस अमाउंट को मैं कहीं यूटिलाइज करूंगा उसको भी मैं इंटरेस्ट में दूंगा उससे मुझे और पैसा मिलेगा तो, तो इसका मतलब अगर आप मुझे या तो पर मंथ रिटर्न करो या फिर उस मंथ का जो अमाउंट होगा उसको प्रिंसिपल अमाउंट में इंक्लूड करके फिर अगले मंथ का आप इंटरेस्ट निकालो तो अगर जब टोटल अमाउंट निकालेंगे तो हम टोटल तो तो कि करिए और ट्वेल्व टाइम्स आप ट्वेल्व तो, टाइम्स आप कैलकुलेशन करिए और फिर फाइनल अमाउंट निकालिए और वो फाइनल अमाउंट निकालने के लिए आप ये इंटरेस्ट लगाइए और सीधे लिखिए एस इजक्ल टू वन प्लस और ये आई इफेक्टिव हो जाएगा आई इफेक्टिव टू दी पावर एन जितने भी ईयर के लिए होगा टू दी पावर एन और ये प्रिंसिपल अमाउंट बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये है एग्जैक्टली exactly हमारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ये वाला नहीं था ये वाला है चलिए ये होता है हमारा सर क्वेश्चन में बोल रहा रहेगा कि आई इफेक्टिव निकालना है या नॉमिनल शांत अगर नहीं बोला रहेगा तो आप इफेक्टिव से करिएगा क्योंकि ये है एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है चलो तो यहां पर कंपाउंड भी हो गया कंपाउंड भी हो गया और अब हम लोग क्या करें अब कॉन्टिन्यूअस इंटरेस्ट रेट कॉन्टिन्यूअस इंटरेस्ट रेट कोई बताएगा मुझे कॉन्टिन्यूस इंटरेस्ट रेट क्या होता है पी ई टू दी पावर आर एन एस इक्वल टू पी ई टू दी पावर आर एन ठीक है और अगर आई इफेक्टिव निकालना हो इसके लिए तो आई इफेक्टिव क्या होता है बता सकते हो ये होता है हमारा ई टू दी पावर आर माइनस वन यह हमारा फाइनल फार्मूला ठीक है ए टू पावर एम नहीं बेटा एन और इसको R N से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तरुण पावर आर वन ईयर के लिए पी ई टू पावर आर और एन ईयर e के लिए इसमें एन को और मल्टीप्लाई कर देते हैं यह होता है हमारा और अगर हम वन ईयर की बात करें तो ई टू पावर आर माइनस वन ये होता है चलो अब आप लोगों की स्ट्रेंथ भी जवाब दे रही है और अब हमारा ये यह, यहां तक का कंप्लीट भी हो गया मैं यहीं तक के न्यू का ट्राई करूंगा बट एक दो क्वेश्चन आगे पीछे के हो जाते हैं ठीक है तो वो भी इंक्लूड कर दूंगा फिर तो देखते हैं कितने हो पाते हैं और आपको कितनी तैयारी है तो आज नाइट में मैं इसका प्रैक्टिस ऐड करके आप लोगों को सुबह मिल जाएगा और उसकी लिंक मेरे ऐप में ही कम्युनिटी में मिल जाएगी तो आप लोगों के प्लानर में जाके मे भी ऐड हो जाए जो मेरा पी का कोर्स इनरोल किए होंगे उनकी कम्युनिटी में तो ऐड हो जाएगा अदरवाइज आप अपने ऐप में मेरे कम्युनिटी में चले जाना कम्युनिटी का ऑप्शन आता है ना वहां चले जाना और वहां पर आपको नाइट में तीन चार बजे तक में ऐड कर दूंगा तो आपको वहां से मिल जाएगा ठीक है सर लास्ट स्लाइड एक झलक ये लो बेटा ये लो ये लो पूरा लो एक नहीं आराम से आप स्क्रीन शॉट ले लो दो चार झलक ले लो कैसी बात की भाई ठीक है बेटा हो गया एस इक्वल टू पी ई टू दी पावर आर वन ईयर के लिए होता है पी ई टू पावर आर एन एन ईयर के लिए होता है और जैसे हमें इंटरेस्ट निकालना हो आई इफेक्टिव तो हम लोग ई टू दी पावर आर माइनस वन कर देते हैं और एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी वन प्लस ए बाई एक्स टू पावर एक्स उसको हम लोग ई टू पावर ए बोलते हैं उसको हम लोग ई टू दी पावर ए बोलते हैं वहां से इसका डेरिवेशन होता है ठीक है चलो तो आज इतना ही रखते हैं और इसके आगे मैं एन से स्टार्ट करूंगा प्रेजेंट वर्थ फ्यूचर वर्क एनूटी ठीक है देन डिप्रीसिएशन ये पूरा पार्ट आपका परसों मंडे को दस बजे से एक बजे के बीच में ही इसको फिनिश करूंगा कल के दिन आपको एक क्विज मिलेगी और यूट्यूब वाले स्टूडेंट कितने प्रेजेंट है एक बार मुझे अब वाई लिख के भेजिए तो YouTube वालों को देना है या नहीं देना वो मैं तब डिसाइड करूं इससे पहले वाला इससे पहले वाला बेटा ये लो ये लो स्क्रीन शॉट लेना है ले लो जिसको स्क्रीन शॉट लेना है ले लीजिए YouTube वाले स्टूडेंट जितने एक बार YT लिखिए एक बार YT लिखिए मैं देखूं तो कितने हैं जरा देन डिसाइड करूंगा कि देना है या नहीं देना YouTube के कितने स्टूडेंट है एक बार YT लिख दीजिए ठीक है हो गया होगा बेटा हो गया होगा ये अमन चलो अभी बहुत कुछ है क्या अच्छा अभी ये सब भी था चलो कोई नहीं ठीक है सर आप रात को स्लीप नहीं करते खालिद सपनों को पाने के लिए नींदों को छोड़ना पड़ता है ठीक है और मेरे लिए तीन से चार घंटे नींद बहुत है मैं डेली सुबह सोता हूँ वही छः बजे कभी साढ़े छः बजे कभी सात भी बज जाता है और दस बजे तक तो एनिया हाँ उठना ही पड़ता है क्योंकि मुझे कुछ जगह लेक्चर भी लेना होता है लेक्चर डिलीवर करना होता है और हर कॉलेज में लेक्चर का टाइमिंग दस बजे से होता है तो दस से बारह एक मेरा लेक्चर रहता है ठीक है जो कि मैं विदाउट एनी कॉस्ट डिलीवर करता हूँ किसी की हेल्प के लिए ताकि उन बच्चों को भी कुछ केमिकल इंजीनियरिंग समझ में आ जाए पढ़ने को मिल जाए ठीक है और फिर उसके बाद एक बजे से फिर गेट वाले बच्चों को रिप्लाई जो नाइट में रिप्लाई करके सोता हूँ उनके सबके रिप्लाई आ जाते हैं तो उनको फिर सबको रिप्लाई करता हूँ एक से दो ढाई बजे तक फिर उसके बाद अब उस दिन क्या पढ़ाना है उन सबकी तैयारी आगे का क्या पढ़ाना है उनकी तैयारी वो सब चलता रहता है मेरे पास इस समय कई सारे बंडल रखे हुए हैं कॉपी चेक करने के लिए बट टाइम नहीं मिल पा रहा तो ये लाइफ है जितना बिजी रखेंगे उतना बेटर रहेगा और आप में से मेरे रात की नींद हराम करने से बहुत सारे बच्चों के सपने साकार होते हैं ठीक है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आसान नहीं है कोई इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर कोई नहीं मूव कर पाता ठीक है तो होता है बस लाइफ का पार्ट है और कई बार इसमें मज़ा आने लगता है बट कभी कभी पेनफुल होता है जब आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता और मुझे पता है कि जिस दिन मुझे सबसे ज़्यादा नीड होगी उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा सबसे ज़्यादा सपोर्ट उस दिन मिलेगा जिस दिन मुझे नीड पड़ेगी और एक दिन नीड पड़ेगी ये भी मैं बता दूँ मुझे पता है तो उस दिन बस सपोर्ट जरूर करना बाकी करो ना करो ठीक है चलो सो थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू सर ब्लैक सर्किल हो गए क्या ही फर्क पड़ता है यार कौन सा यहाँ चार छः शादियाँ रचानी है ठीक है हमारा सपना है कि आप लोगों का कुछ लाइफ बन जाए वही इंपॉर्टेंट है घर वाले डांटे हैं मुझे सोनू देखो सबको नहीं करना यार आप सो आप आराम से सो आपके लिए हम जाग रहे हैं ना अब जब चौकीदार जाग रहा है है ना तो आप लोग सो आराम से ठीक चलो सो so, अभी की क्लास एंड करते हैं है ना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बट यार प्रेजेंस ऐसी रखना 50 प्लस ही प्रेजेंट रहना नेक्स्ट क्लास में भी ठीक है यूट्यूब के कितने बच्चे थे वो तो मैं देख ही नहीं पाया एक मिनट मैं बता दूं यूट्यूब वालों को दूंगा कि नहीं दूंगा आर्यन आर्यन जॉन सोनू कृष्णा फोर और सिद्धेश फाइव अंकित सिक्स खालिद सेवन इसी नाम से जो मुझे पर्सनली मैसेज करेगा कि सर मैं प्रेजेंट था मेरा नाम ये है उसको मैं पर्सनली दे दूँगा अदरवाइज ओपनली नहीं दूँगा ठीक है अगर आपको नीड है आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे कि सर हम लोग प्रेजेंट थे मैं आप लोगों को दे दूंगा बाकी सारे लोग देख लो प्लस वाले हैं प्लस वाले कुछ तो सिंसियर होते हैं सर हम आनी चाहिए यूट्यूब वालों को फिर क्या बोलते हैं सर यूट्यूब से मैंने पढ़ाई की मेरी रैंक नहीं है अरे यार यूट्यूब से इसी साल AIR 8 ए आई आर एट आई है इसी साल इसी प्लेनेट गेट के यूट्यूब चैनल से AIR 8 ए आई आर एट आई है और आप लोग नहीं पढ़ोगे तो कैसे आ जाएगी ठीक है चलो खैर अभी की क्लास फिर एंड करेंगे बेटा सर आप इंडिया में कहाँ से हैं बेटा इंडिया में एक स्टेट है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक सिटी है है ना कानपुर कानपुर का नाम शायद आपने सुना हो तो मैं कानपुर से हूँ ठीक है चलो टेलीग्राम पे मैसेज करें क्या आ, ठीक है चलेगा चलेगा सर देश टेलीग्राम पे कर देना बट टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज कम चेक कर पाता हूँ क्योंकि टेलीग्राम में ऑलरेडी कम से कम मेरे साठ आसपास ग्रुप हैं जिसमें मैं कनेक्टेड हूँ ठीक है तो इसलिए शायद टेलीग्राम में कई बार ग्रुप ही ऊपर बने रहते हैं पर्सनल मैसेज में नहीं देख पाता तो अगर पॉसिबल है तो वाट्सअप ठीक है चलो तो ये माय टॉप टेन टॉपिक वाइज क्वेश्चन गेट एक्सपेक्टेड सीरीज बेटा बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं हो सकता है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स में किसी दिन स्टार्ट कर दूं ट्वेंटी फाइव को शायद संडे है तो मंडे से स्टार्ट करूं ये भी हो सकता है अदरवाइज में तो कमिंग सून ठीक है अंतिम सीढ़ी रैंकर्स की और ये सीढ़ी चढ़ लिया ना तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे टेलीग्राम चैनल और ये लर्निंग ऐप आप, आप यहां पर मुझे फॉलो कर लेंगे लर्निंग ऐप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है थीके? अच्छा लर्निंग ऐप जो है उसमें आप सबको दिख जाएगा मेरे कम्युनिटी में जाओगे सबको दिख जाएगा कि यहां पर मैंने एक क्विज या प्रैक्टिस प्रोवाइड की है प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स की तो उसी में आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे तो उस पर्टिकुलर बंदे को मैं सेंड कर दूंगा ठीक है चलो सिद्धेश ऐसी बातें मत किया करो यार पाप लगेगा ठीक है चलो तो अभी अभी ठीक है सिद्धेश बोल दो मुझे प्रोसेस कैलकुलेशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीआरई पीडी ये चार सब्जेक्ट मैं इस बार डील कर रहा था इस बार एक और सब्जेक्ट इंक्लूड करूंगा थर्मोडाइनेमिक्स और आपको एक और नए सब्जेक्ट के साथ गजब फॉर्म में एकदम फीलिंग के साथ पूरा कंप्लीट करेंगे और ये पीसी मैंने कंप्लीट कर दी है बेटा मैथ कंप्लीट है ये सब पेड कोर्स वाले हैं ठीक है ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुका हूं यूट्यूब में भी मेरे चारों सब्जेक्ट अवेलेबल है हैं बट उतना कोर्स नहीं जितना मैं प्लस में पढ़ाता हूं बट उतना भी सीआर का तो मस्त कोर्स अवेलेबल है, है प्लस और आइकोनिक दो तरह के कोर्स है किसी के साथ भी मूव करिए प्लस या आइकोनिक आप दोनों में कोई भी कोर्स लीजिए बट कोड लगाइएगा एसके एस प्लस या आइकोनिक में जो भी आपके लिए सुटेबल हो इस समय ऑफर चल रहा है थर्टी परसेंट का ऑफ मिल जाएगा इस कोड में तो थर्टी परसेंट का बेनिफिट लो यार मूव करो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड समाउंट पे करना है एक साल का कोर्स है ठीक है आप लोगों को दो हजार के आसपास का कुछ अमाउंट पड़ेगा पर मंथ का और यार इतना तो दे ही सकते हो अगर आपको पढ़ना है एक सीरियस वे में मूव करना है सारी चीजें फैसिलिटी लेनी है न्यूमेरिकल्स करने हैं प्रैक्टिस अटेम्प करना है टेस्ट सीरीज करना है सब कुछ अगर करना है तो फिर प्लस के साथ मूव कर सकते हो ठीक है और अगर पैसा है तो भाई आइकोनिक के साथ भी कर सकते हो ठीक है नो कॉस्ट कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना जीरो परसेंट इंटरेस्ट है अगर कोड आप यूज करेंगे 50, आप लोन के साथ भी मूव कर सकते हैं लोन कैसे आ, कराना है कैसे एक्टिवेट होगा किसी को भी कोई हेडक हो आप मुझसे डिस्कस करिएगा तब किसी को ओटीपी शेयर करिएगा ठीक है अदरवाइज कहीं पैसा कट जाए चला जाए तो फिर आ, मत कहिएगा थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फोर रुपीज पर मंथ डे आप आइकोनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हो उड़ान बैच और बुनियाद बैच दो बैच स्टार्ट हुए गेट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव के लिए और ये बेटा स्कॉलरशिप टेस्ट अगर आप यहां से मूव करते हो रैंक से टेन रहती है तो आपको हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगी तो 50, पर स्टार बना है स्टार इसलिए बना है यहां पर लिखा है छोटा सा स्कॉलरशिप विल बी गिवेन ऑन टू मंथ सब्सक्रिप्शन जो अब गेट ट्वेंटी थ्री के लिए टू मंथ बाकी है तो दो महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा और उसके लिए स्कॉलरशिप मिलेगी ठीक है अगर किसी को भी कल देना है इस टेस्ट को तो 18 दिसंबर कल के दिन ये संडे को टेस्ट रहेगा और इसकी टाइमिंग बेटा सेम गेट की टाइमिंग है 2:30 थर्टी टू फाइव थर्टी कल के दिन मेरे और सुमित सर के कोई सेशन नहीं रहेंगे ठीक है तो आप अपना पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज करिए जब भी आप इसमें रजिस्टर करिएगा तो कोड एस के एस फाइव जीरो रजिस्टर करने के लिए इसको स्कैन कर लीजिए जूम करके स्कैन कर लो ठीक है पांच दस सेकंड वेट करोगे इसके बाद लिंक आ जाएगी क्लिक करके सबसे लास्ट में केमिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन है तो आप वहाँ पर उसको क्या करिएगा इस इनरोल कर लीजिएगा कल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा ठीक है टेस्ट दीजिए स्कॉलरशिप मिल जाती है तो दो महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा ठीक और जिनका ऑलरेडी चल रहा है उनको कुछ नहीं मिलेगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बाकी कैसे अब जिनका एंड हो गया है तो वो बेनिफिट ले सकते हैं तो बाकी ये आर बैच आपको मिल जाएगा सीआर का जो हमने आर अदर सब्जेक्ट के लिए वो मिल जाएगा तो बेनिफिट है अभी सी का आने वाला है इसी मंथ के एंड में वो मिल जाएगा आपको तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं तो बस फायदा लो ठीक so, है चलो सो ये कंप्लीट है कंप्लीट बेटा सभी स्टूडेंट के लिए चाहे प्लस का हो चाहे आईकोनिक का हो चाहे यूट्यूब का हो जस्ट आपके पास ऐप होना चाहिए एंड्रॉयड में ही अवेलेबल है ये और इसके बाद वन टू वन बैटल क्वेश्चन है बहुत सारे आप उसको फाइट कर सकते हो चलिए आज का सेशन इसी के साथ एंड करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग अपना फुल एफर्ट दे रहे हो पढ़ते रहना बेटा लड़ते रहना जब तक जंग में ना पहुंच जाओ जब तक गेट का पेपर अटेम्प ना कर लो होप्स मत खोना डेली एक कॉन्सेप्ट भी सीखोगे तो भी अच्छा कर सकते हो यकीन मानिए अगर किसी ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो मैथी सीआर और मेरी एक गेट एक्सपेक्टेड सीरीज इतना भी कर लोगे तो भी आप गेट क्वालिफाई कर जाओगे एक दो सब्जेक्ट और कर लोगे तो हंड्रेड परसेंट मतलब एक दो और कर लोगे तो अच्छी रैंक भी ले आओगे तो मैं चाहता हूं थर्ड ईयर वाले सारे स्टूडेंट इस बार एटलीस्ट गेट क्वालीफाई करें फाइनल ईयर वाले कम से कम थाउजेंड के अंदर लाएं ताकि उनको आई मिल जाए और जिनकी उम्मीदें बड़ी हैं जिनके जो ड्रॉपर्स हैं वो ट्राई करें कि कम से कम टॉप 200, टॉप 300, टॉप 100 में आए ताकि उनको पी मिल जाए और जिनका कॉन्फिडेंस एकदम हाई है सारे सब्जेक्ट कर चुके हो पी वाई क्यू चार बार कर चुके हो गेट एक्सपेक्टेड सीरीज कर लास्ट टाइम वाली कर लिए इस बार वाली करना चाह रहे हो सारे सेशंस कर रहे हो पूरी तैयारी है बुक से भी पढ़ डाले एनपी से पढ़ डाले सब कर डाले तो फिर यार अपना कम से कम हौसला ऐसा रखो कि हम टॉप ट्वेंटी रैंक लेकर आएंगे टॉप रैंकर्स बनेंगे और उसके लिए बेस्ट एफर्ट दीजिए कम से कम ट्वेंटी फुल लेंथ टेस्ट जरूर लेटेम्प करके जाइएगा और जिनके अभी तक पांच दस हो चुके हैं उनको मैं बोलूंगा कि अब से बेटा डेली एक टेस्ट अटेम्प करिए और कम से कम फिफ्टी टेस्ट फुल लेंथ के ले करके जाइए एक टेस्ट सीरीज में नहीं है एक और खरीद लीजिए एक और खरीद लीजिए दो चार टेस्ट सीरीज खरीदनी पड़े खरीद, खरीद लीजिए अलग अलग लीजिएगा अलग अलग इंस्टीट्यूट की किसी को लेना हो मुझसे डिस्कस कर लेना कौन सी बेटर है वो डिस्कस कर लेना फेल लेना लेकिन जितना एफर्ट दे पाओ दीजिए फुल एफर्ट दीजिए अपना जी जान एक कर दीजिए लेकिन छह घंटे की नींद प्रॉपर लीजिएगा ब्रेकफास्ट और लंच से किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा डिनर एक बार भले ही बहुत लाइट करिएगा सिर्फ फ्रूट्स खा लीजिएगा या कुछ भी आप हल्का ले सकते हैं डिनर रात रात में भले भूल जाइएगा बट ब्रेकफास्ट और लंच दोनों दबा के करिएगा ठीक है प्रॉपर आप हो सके तो डेली मौ, डेली मॉर्निंग में उठ के एक एप्पल जरूर खाइए एप्पल नहीं है तो दस तुलसी की पत्ती खा लीजिए वो भी नहीं है सुबह उठ के कम से कम एक लीटर पानी गर्म पानी आप पीजिए आपकी इम्यूनिटी अपने आप अप होती रहेगी इस टाइम किसी को बीमार नहीं पड़ना इस टाइम किसी को अपना टाइम लॉस नहीं करना इस टाइम किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम मत आने देना लड़ते जाओ इम्यूनिटी पावर बढ़ाते जाओ सारी बीमारियों से लड़ते जाओ गेट एग्जाम तक अब आप, आपको हारना नहीं है आपको दुनिया को हराना है आपको कुछ दिखाना है ठीक है तो चलिए आज सेशन एंड करेंगे सर मैथ्स में किया था लेकिन बहुत पहले अभी याद नहीं कुछ क्या करूँ मैं सोनू कुछ नहीं बेटा आप अगर प्लस के स्टूडेंट हैं तो मेरा आर कर लो और उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूं ये कर लो अगर आप नहीं हो तो मैथ्स की एक सीट मैंने शेयर की आपके पास नहीं आप मुझे मैसेज कर देना मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में आप चले जाना वहां आपको मिल जाएगी और वहां पर मैथ्स के जितने भी प्रैक्टिस सेशन है वो आप कर डालना नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लेना मैथ्स में आपके तेरह में तेरह नंबर आएंगे ठीक है चलो तो अभी की क्लास एंड करेंगे थैंक यू लव यू ऑल टेक केयर गुड नाइट नमस्कार शुभ रात्रि मिलते हैं बेटा परसों के दिन कल मेरी कोई क्लास नहीं रहेगी ना प्लस ना स्पेशल ना यूट्यूब परसों के दिन मिलेंगे वही आर बी बैच के लिए सिक्स थर्टी पी से और फिर नाइट में मिलेंगे इस सीआरई के इस के रिवीजन कोर्स के लिए जिसमें कल नेक्स्ट क्लास में डिप्रीसी तक कंप्लीट करेंगे थैंक यू लव यू ऑल जय भी है वो सब कर लेगा ठीक है দেন সান উান আনিন আনিন আনিন. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவுபெறுகிறது